सर रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर, एक बार कंफर्म करोगे मुझे? मैसेज मिला होगा आपको? यस सर। ओके सर, ओके। हेलो गुड इवनिंग सर। इवनिंग प्रिया। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का कंपनी लॉ क्लास। और कंपनी लॉ में मैं आप लोगों के साथ ना आज डिबेंचर के बारे में थोड़ा बात करूंगा, ठीक है? डिबेंचर के बारे में ऐसे बेसिक आइडिया आप सबको है, आई नो दैट, कि डिबेंचर क्या है ये आप लोग जानते हो, क्योंकि ये शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का जो डिस्कशन चल रहा है, ये टॉपिक जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने ना सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर इसके बारे में मैंने सबसे पहले बात किया कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। बेसिकली ये सब सोर्स ऑफ फाइनेंस है कंपनी के लिए। तो सबसे पहले ना ये तीन प्रोडक्ट, ठीक है, इसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप, मतलब ऐसा नहीं कि बोलने में कुछ गलत होगा, ठीक है? इट्स अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोलो, कि मार्केट में ये प्रोडक्ट रहता है, कंपनी इसे परचेस करता है और पब्लिक को इसके इसके बदले इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिटर्न मिलता है। ये जो बेसिक आइडिया है ना, ये बेसिक आइडिया आप सबको है सर, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सर, वो डिबेंचर रिलेटेड कुछ लीगल मैटर है, ठीक है? डिबेंचर रिलेटेड लीगल बातें हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको, प्रीवियस लेक्चर्स में क्या हुआ था, मैं आप सबके साथ बायबैक, ओके, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ठीक है, राइट इशू, बोनस इशू, बायबैक ऑफ शेयर्स, बेसिकली रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल या ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, ये सब चीज़ों के ऊपर मैंने आपके साथ बात किया था, ठीक है? दीज आर दी बेसिक एरिया जहाँ पर शेयर कैपिटल ऑल्टर हो जाता है। ऐसा कुछ एरिया है जो कंपनी बिजनेस को मैनेज करने के लिए लीगली करता है, ठीक है? जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लाइक ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर सेक्शन 68 बायबैक, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा बात कर लिया था। फिर मैंने आपको बोनस इशू, राइट इशू, ठीक है, रिडक्शन एज वेल एज पावर टू लिमिटेड कंपनीज, ये सब बातचीत मैंने किया था। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे बाद में पूछ लीजिएगा सर, या ऑफलाइन में आके पूछ लीजिएगा। चलो सर, आज एक न्यू टॉपिक होगा और इस टॉपिक का नाम है, सेक्शन का नाम है 71, ठीक है? टॉपिक का नाम है डिबेंचर और सेक्शन का नाम है 71, ठीक है? क्या हो रहा है सबको आज? इतना नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, वेदर खराब है कोलकाता में, वेदर बहुत ही खराब है। 2-3 दिन से काफी ज्यादा बारिश चल रहा है, वेदर काफी ठंडा भी है। हाँ सर, वेदर काफी ठंडा भी है, बारिश भी अच्छा चल रहा है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, तो मेरे तरफ से कोई इश्यू तो नहीं है नेटवर्क में। ऐसे आप सबको मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर। कैसे सर? चलो अच्छा, तो चलो सर मैं पहले आपको ना थोड़ा डिबेंचर के बारे में थोड़ा सा सेक्शन वाइज बात कर लेता हूँ, उसके बाद ना मैं आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है? काफी अच्छा रहने वाला है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, क्योंकि आपको ना आइडिया लगेगा कि इतना ज्यादा पढ़ाई करने के बाद कि अल्टीमेटली अल्टीमेट टेस्ट क्या होता है, ठीक है? अल्टीमेट टेस्ट जो होता है वो एग्जाम में होता है, और आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन कर सकता है, कंपनी लॉ से किस तरह का सवाल हो सकता है, आपको किस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम में, क्या ये क्वेश्चन आएगा? हाँ सर आएगा, ठीक है, माने आ सकता है। मैं एग्जाम क्वेश्चन सेटर नहीं हूँ सर, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप ये सब क्वेश्चन मेरे साथ साथ जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा अगर आप करोगे,
तो ऐसा रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात सर, उससे भी बड़ा बात है कि अगर आप ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन करने का अगर आप आइडिया लगा लेते हो ना, तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आप और भी जगह से प्रैक्टिस, जहां से भी मिले आप करो। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी रहोगे। इसीलिए मैं आपको प्रोविजन, यस नीन गुड इवनिंग, इसीलिए प्रोविजंस में ज्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है? क्योंकि एक बार प्रोविजंस क्लियर हो जाए, लीगल बातें क्लियर हो जाए, सेक्शन क्लियर हो जाए, तो जवाब देना भी थोड़ा क्या हो सकता है, वर्सेटाइल हो सकता है। ओके ओके सर, तो बेसिकली सेक्शन 71 कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 में डिबेंचर के बारे में अपना बात को रखा है ना। सेक्शन में क्यों बात करता है सर? सेक्शन में इसलिए बात होता है क्योंकि आगे जाके जब कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो हम लोग ना झगड़ा करते हैं, झगड़ा माने वाद विवाद होता रहता है सर, डिस्प्यूट होता रहता है। तो जब ये प्रॉब्लम होगा किसी कंपनी रिलेटेड मैटर में, कोई डिस्प्यूट होगा या कुछ भी, ठीक है, तब नियम का याद आता है कि भाई नियम क्या है, तो तब गवर्नमेंट बता सकता है, तब कंपनीज एक्ट लॉ डिपार्टमेंट माने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हम सबको ये बताता है, अरे भाई सेक्शन 71 ओपन करके देख लो, वहाँ पर डिबेंचर के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या दे के रखा है, ठीक है? और आप लोग तब एज ए प्रैक्टिसनर्स, ठीक है, एज ए कंपनी लॉ प्रैक्टिसनर्स, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, जो नॉलेजेबल मतलब लॉयर्स, जो भी नॉलेजेबल बंदा प्रोफेशनल में काम करते हैं, वो तब सेक्शन 71 को ओपन करेगा, ओपन करके देखेगा, अच्छा ये बात लिखा हुआ है, तो अगर केस भी लड़ना है तो इसी मुद्दे पे लड़ना है, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अच्छा, क्या कोई पर्टिकुलर काम अगर करना है तो क्या गवर्नमेंट ये कर सकता है, है ना? जैसे कंपनी को क्या है ना, पैसा चाहिए। पहले आपको मैं थोड़ा डिबेंचर का घुमा देता हूँ, थोड़ा डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक ना लोन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक तरह का लोन इंस्ट्रूमेंट है सर। इंस्ट्रूमेंट माने, हाँ सर, जैसे गाना बजाने का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में क्या चाहिए होता है सर? कैपिटल, पूंजी चाहिए होता है। किसको? बिजनेस को। अब बिजनेस को जब पूंजी चाहिए होता है ना, तो वो डिबेंचर इशू करता है। जब बिजनेस को पूंजी चाहिए होता है माने कैपिटल चाहिए होता है, तो वो ना डिबेंचर इशू करता है। मैं शायद आप लोगों को इंडिया पुल का डिबेंचर दिखाया था, ये बहुत बार मैं दिखाता रहता हूँ आप सबको। देख लेते हैं एक बार, इंडिया बुल डिबेंचर्स। सर ये हाल फिलहाल में काफी सारे कंपनी किया है, बट ये बात मैंने शायद आप लोगों को कुछ क्लास पहले भी बोला था कि इंडिया बुल एक कंपनी है, वो डिबेंचर इशू किया है। ये देखो, मैं हमेशा आपको खबर पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है? खबर पढ़ के क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि प्रैक्टिकल यूज क्या है, नहीं तो ना लॉ एक बोरिंग सा मैटर हो जाता है। आप लोगों को लगेगा कि भाई कहाँ से आ रहा है ये सब बातें, क्यों कर रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, क्यों कर रहा है ना, आसमान से टपका, खजूर पे लटका, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा कनेक्ट हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो, पब्लिक इश्यू ऑफ एनसीडी। सर एनसीडी का माने, एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सर नॉन कन्वर्टेबल माने किस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, माने शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है? नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये प्योरली डिबेंचर है और डिबेंचर ही रहेगा। तो डिबेंचर ना पार्ट पार्ट करके कंपनी इशू कर सकता है। ऐसे एक स्टार्टिंग में ना कंपनी ना एक टाइम बता देता है कि भाई हमें इतना मार्केट से क्या चाहिए, डिबेंचर चाहिए, ठीक है, वो पहले से बता देता है, वो न्यूज़ में निकलता है, कंपनी अपनी वेबसाइट में बता देता है कि हम इतना ज़्यादा पैसा मार्केट से थ्रू डिबेंचर उठाएंगे। तो डिबेंचर के थ्रू से जब भी कंपनी ये रिपोर्ट दे देता है ना, और उसके बाद क्या होता है, वो प्रॉस्पेक्टस जो इशू करता है ना, ठीक है, वो जो प्रॉस्पेक्टस इशू करता है, ये देखो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस प्रॉस्पेक्टस इशू किया था, जिसमें प्रॉस्पेक्टस के थ्रू से ये बता देता है कि भाई हम इतने इतने पार्ट में, इतने इतने ट्रांचेस में हम अपना डिबेंचर के लिए आएंगे, जिसको जिसको डिबेंचर में पार्टिसिपेट करना है,
मैंने बेसिकली कंपनी को क्या करना है, लोन देना है। अगर आपको लेना है आप भी ले सकते हो, ठीक है, किसी कंपनी को लेना है वो ले सकता है। सर बदले में आपको क्या मिलेगा, यू नो दैट आपको क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप कंपनी के डिबेंचर में क्यों पर इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि कंपनी आपको इंटरेस्ट देता है। अच्छा, क्या बैंक से ज्यादा देता है? द आंसर इज यस। क्या रिस्क है? हाँ सर, कंपनी है तो रिस्क तो होगा। क्या रिस्क है? यस, देयर इज अ रिस्क। समझ रहे हो सर, रिस्क तो है, नो डाउट रिस्क है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखो, ये सब न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी आता है, ये सब न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये देखो, ये पूरा एकदम न्यूज़पेपर में इसका एडवर्टाइजमेंट भी आया था, पूरा उसके न्यूज़पेपर रिपोर्ट को भी यहाँ पर छाप दिया सर, ठीक है। मैं कंपनी को वेबसाइट से ही आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब सवाल उठता है सर, गारंटी क्या है कि मेरे को मेरा पैसा मिलेगा, है ना सर? उसके लिए इन्वेस्टर को ना क्रेडिट रेटिंग चेक करना चाहिए। सर ये क्रेडिट रेटिंग सही है, इसका क्या पता? अरे भाई, कौन सही है गलत है, इसका पता करने के लिए एक ही मात्र नॉलेज आपका एकमात्र शस्त्र है सर, ठीक है। आपके पास ज्ञान हो तो सही गलत का फैसला आप कर सकते हो, अगर ज्ञान नहीं, अज्ञानी बन जाओगे तो सही गलत का फैसला नहीं कर पाओगे। चाहे आपको, मैंने क्या बोल सकते हैं, मैंने सुपर पावर, मैंने भगवान अल्लाह गॉड जो भी है, ठीक है, दुनिया में सुप्रीम पावर, उनके सामने भी आपको खड़ा कर दिया जाए ना, अगर आप अज्ञानी रहोगे ना, आप उनको भी बोलोगे ये चीज क्या है, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सो इफ यू नो व्हाट इज दिस, ठीक है, तो फिर आपको पता होगा और आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो। लेकिन सर रिस्क है क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, लेकिन अगर आपको 10% 11% रिटर्न देने का वादा करता है ना, तो बिल्कुल आप इस पे इन्वेस्ट कर देते हो और बदले में कंपनी को मिल जाता है पैसा। ये पैसा को लेके कंपनी क्या करता है, बिजनेस पे लगाता है। समझ गए सर, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताने का आपको कोशिश किया, ठीक है। तो अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैं पहले भी दिखाया होगा आप लोगों को, आप चाहो तो कंपनी के साइट में जाके ना, ये बहुत दिनों से चल रहा है इसका, 23 फरवरी 2023 में इसका स्टार्ट हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली उससे भी पहले शायद, मैं तो शायद लास्ट ईयर भी बताया होगा, ठीक है। सो आप जाके चेक कर सकते हो। चलो, ऐसा बहुत कंपनीज है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था तो मैं बता दिया। तो बेसिकली अब ये डिवेंचर बेसिकली क्या है, कंपनी मार्केट से लोन उठाता है, बदले में जो भी कंपनी को लोन देता है उनको कंपनी इंटरेस्ट पे करता है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, कंपनी ने बताया कि उसको 1 करोड़ चाहिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई कंपनी को 1 करोड़ चाहिए, तो उसके लिए कंपनी ना सबको बोला है कि भाई कम से कम 1 लाख करके इन्वेस्ट करो, ठीक है, 1 लाख इन्वेस्टमेंट मिनिमम, और एक एक लॉट में कम से कम 10,000 करके इन्वेस्ट करो, तो 10,000 करके अगर होगा, तो अगर 1 लाख आपको इन्वेस्ट करना है तो 10,000 × 10, ठीक है, 10 लॉट इन्वेस्ट करके आप 10 लाख का शेयर होल्डर बन, डिवेंचर होल्डर बन जाओगे, ठीक है, 10 लाख वैल्यू का डिवेंचर होल्डर बन जाओगे। सर डिवेंचर होल्डर बनने का फायदा क्या है? सर जैसे ही आप डिवेंचर होल्डर बन गए, तो कंपनी ने आपको वादा किया था कि भाई अगर आप 1 लाख कंपनी को देते हो तो बदले में कंपनी आपको 10% रिटर्न देगा, इंटरेस्ट देगा बेसिकली, और ये इंटरेस्ट माने सूद होता है सर, ठीक है। आपने लोन दिया ना कंपनी को, तो 1 करोड़ कंपनी को चाहिए, तो सिर्फ आपको, से फॉर एग्जांपल आप कौन हो, आप ए हो, ठीक है, फलाना, ठीक है, फलाना ए, फलाना बी, फलाना सी, कोई भी हो सकता है, ठीक है, राम, श्याम, यदु, मधु, ठीक है, डेविड, समझ रहे हो सर, कोई भी हो सकता है। तो ए बी सी डी एनी वन कैन बाय। अब जैसे ही वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर बन गए, ओके, उसको कंपनी क्या कर देगा, इंटरेस्ट पे कर देगा, और ये इंटरेस्ट रिडेम्पशन होता है, आप सबको पता है, डिबेंचर रिडेम्पशन भी होता है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। मानो 5 साल के लिए आपका पैसा या 2 साल के लिए आपका पैसा कंपनी के पास रहेगा, 2 साल बाद कंपनी इसको क्या करेगा, रिडीम करेगा, रिडीम, ठीक है। नाम के पास आप लोग अकाउंटेंसी में भी ये सब टॉपिक एकदम क्लियर कट अकाउंट्स में भी करोगे सर, ठीक है, जो लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हो नाम के पास या कहीं पर भी, आपको भी वहां पर भी पता लग जाएगा कि किस तरह से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वगैरह काम करता है। नॉलेज लेना चाहिए, बहुत डिटेल्स में नॉलेज लेना चाहिए। अब हम लोग लीगल पार्ट में बात कर रहे हैं, इसमें सेक्शन 71 जो है ये कंपनीज एक्ट में इसके बारे में बोला गया, ठीक है, और डेफिनेशन जो है ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में बोला गया, इसका डेफिनेशन को सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में बोला गया। अब क्या बोला डेफिनेशंस में, सर डेफिनेशंस में बोला है कि डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक,
सर ये क्या बात हो गया, डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर डिबेंचर स्टॉक क्या है। सर डिबेंचर स्टॉक ना, जैसे कंपनी मार्केट से क्या कर रहा है, लोन उठा रहा है ना, तो बदले में ना सिक्योरिटी के तौर पे, से फॉर एग्जांपल आपने कंपनी को कितना चाहिए था। अभी मैंने एक एग्जांपल रेज बनाया था कि कोई कंपनी है, मे बी से फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड को 1 करोड़ चाहिए, उसके लिए कंपनी डिबेंचर इशू किया मार्केट, ठीक है। कोई मिस्टर ए है जिसने कंपनी का डिबेंचर में पार्टिसिपेट किया और वो अपने तरफ से कंपनी को 1 लाख दिया, ठीक है, 1 लाख कंपनी को दिया, मैंने सब्सक्राइब किया वैल्यूएशन वाइज। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड सर, अब कंपनी कभी कभी क्या करता है, डिबेंचर स्टॉक भी इशू करता है। नाउ अब आप बोलोगे डिबेंचर स्टॉक क्या है। देखो सर, पब्लिक जब किसी कंपनी में पैसा दे रहा है ना, मैंने लोन के तौर पे दे रहा है, डिबेंचर के तौर पे दे रहा है, तो कभी कभी कंपनी क्या करता है, अपना स्टॉक को मॉर्गेज कर देता है, स्टॉक को मॉर्गेज कर देता है, मैंने स्टॉक माने शेयर, ठीक है। जब मल्टीपल शेयर एक साथ हो जाए, हर पेडअप कंप्लीट पेडअप शेयर जब एक साथ हो जाए, उसे स्टॉक कहते हैं। तो कंपनी क्या करेगा, जो भी डिबेंचर होल्डर कंपनी को पैसा दे रहा है वो डिबेंचर होल्डर बन गया। जैसे कि अगर मिस्टर ए 1 लाख सब्सक्राइब कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे, डिबेंचर होल्डर बन गया। अब डिबेंचर होल्डर जब कोई कंपनी में बन जाता है, अगर ये थोड़ा अलग बात है, नॉर्मल डिबेंचर होल्डर भी बन सकता है और डिबेंचर स्टॉक भी कंपनी इशू कर सकता है। बस डिबेंचर स्टॉक में क्या होगा, कंपनी आपको बदले में स्टॉक मॉर्गेज करेगा। इसका मतलब ऐसा है कि अगर बाय चांस कंपनी आपको रीपे नहीं कर पाता है तो कंपनी का शेयर आपके नाम पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मॉर्गेज कॉन्सेप्ट में चलता है, ऐसा आप नहीं सोचना कि सर कन्वर्टेबल है क्या। सर वो कन्वर्टेबल होगा नहीं होगा वो अलग बात है, कन्वर्ट मतलब डिबेंचर स्टॉक पे कन्वर्ट होगा नहीं होगा, दैट्स द डिफरेंट इशू। ये बेसिकली डिबेंचर ही है, दिस इज नॉट अ शेयर, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी आपको शेयर दे रहा है, शेयर इशू तो आप लोग शेयर कैपिटल में पढ़ चुके हो, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर स्टॉक में ना अभी आपको ना इंटरेस्ट भी मिलेगा, मैंने क्योंकि आप कंपनी को 1 लाख दियो और कंपनी अगर आपको वादा करता है कि 10% इंटरेस्ट है, तो कंपनी डिबेंचर स्टॉक में भी इंटरेस्ट पे करेगा, पर बदले में आपको शेयर भी मॉर्गेज करेगा। अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उस शेयर का हिसाब किताब करके अपना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसको डिबेंचर स्टॉक के नाम पे बोला गया है। तो डिबेंचर के बदले कंपनी अपना स्टॉक को एक तरह का सिक्योरिटी के लिए यूज करता है। क्या करता है, सिक्योरिटी के तौर पे, कि अगर आप कंपनी आपका अपना पैसा नहीं दे पाए तो कंपनी के शेयर में आपका होल्डिंग आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज अ सिक्योरिटी, डिबेंचर के बदले सिक्योरिटी दे रहा है कंपनी कि भाई ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो मैं अपना शेयर आपको दे दूंगा। सर आप लोगों को बात समझ में आया, डिबेंचर स्टॉक एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे ये लोग ना, ये जो लोग डिबेंचर स्टॉक होल्डर होते हैं कंपनी में, इनका कैरेक्टर कुछ ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मिलता जुलता है। मैं आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर के बारे में काफी बातचीत किया क्लास में, मैं आशा करूंगा कि आप लोग भूले नहीं वो सब बातें, भूल ना जाना किसको ये सब बातें को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है वो आप लोग जानते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेनली फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आते हैं, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे, क्योंकि वो शेयर है ना, शेयर के बदले डिविडेंड होता है, लोन के बदले इंटरेस्ट होता है। जैसे ही बात शेयर का होता है तब उल्टा साइड में डिविडेंड बैठ जाता है, भले ही फिक्स रिटर्न ही क्यों ना हो, और जब भी बात लोन का होता है तो अपोजिट साइड में इंटरेस्ट बैठ जाता है, समझ रहे हो। तो लोन का इंटरेस्ट भी फिक्स रेट में चलता है और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी फिक्स रेट में चलता है। डिबेंचर स्टॉक का भी कॉन्सेप्ट इसी तरह का चलता है, उन्हें भी सेम टू सेम क्या है, कंपनी के बिजनेस पे ज्यादा कोई कंट्रोलिंग तो नहीं मिलता, ठीक है। जैसे प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा कुछ कंट्रोलिंग नहीं मिलता, भले ही वो शेयर होल्डर है, बट वो कंपनी में फिक्स डिविडेंड के लिए आते हैं, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के लिए आते हैं। तो डिबेंचर स्टॉक का कैरेक्टर ऑलमोस्ट लाइक दैट, कि वो एक फिक्स रिटर्न के लिए आएगा, बदले में कंपनी अपना शेयर उसके नाम पे सिक्योर करके रखेगा। अगर बाय चांस कंपनी रीपे ना कर पाए तो वो सिक्योरिटी के लिए काम करेगा, बट है वो लोन ही। समझ गए सर, प्लीज टेल मी, बात समझ में आया। बोलो सर, नहीं आ रहा है क्या? यस सर।
इसलिए कहता है कि डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, मैंने बेसिकली ये लोन ही है जो पब्लिक कंपनी को दे रहा है, बदले में कंपनी अपना स्टॉक को सिक्योरिटी के तौर पे यूज करता है। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहा, एनी क्वेश्चन सर, कोई डाउट है क्या मन में, बोलो, कर लो सर, सवाल है तो कर लो, क्योंकि चुप बोल लो, एकटा के बोल लो, क्यानो बोल लो, बोलो सर बोलो। ओके तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, तो ये डेफिनेशन जो है डिवेंचर स्टॉक, तो डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड्स। अच्छा, बॉन्ड और डिवेंचर मैं बहुत बार बोला, बॉन्ड भी एक तरह का क्या है, लोन ही है जो कंपनी पब्लिक से लेता है, सरकार पब्लिक से लेता है, गवर्नमेंट भी लेता है। तो बॉन्ड और डिवेंचर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, और बॉन्ड और डिवेंचर का डिफरेंस मैंने आपको आई थिंक पहला पहला क्लास में बताया था, जब मैंने शेयर कैपिटल और डिवेंचर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, बॉन्ड वर्सेस डिवेंचर मेनली, इसीलिए मैंने बोला था। तो क्या डिफरेंस है, हो सके तो वो वाला क्लास एक बार वापस देखो, नहीं मिला तो लिंक ले लो मेरे से, मिल जाना चाहिए, कंपनी जाके प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, नहीं मिला तो मेरे को बोलो, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट, जो बेसिकली डेप्ट है, डेप्ट माने लोन, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। अच्छा, अब आपके मन में चल रहा होगा सर चार्ज का मतलब क्या। सर अभी आपको मैं एक चार्ज का कॉन्सेप्ट ही बता रहा था, अभी कुछ देर पहले मैं आपको डिवेंचर स्टॉक को समझाने के टाइम पे यही चीज बता रहा था। चार्ज का मतलब होता है, इसको आप मॉर्गेज की तरह सोचो, ठीक है, जैसे नॉर्मल में हम लोग जो बैंक में लोन वगैरह लेने जाते हैं तो मॉर्गेज करते हैं ना। हाँ सर, बैंक हमको क्या बोलते हैं, नॉर्मल में सिक्योर्ड लोन देता है क्या, अनसिक्योर्ड लोन, हेलो, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, व्हाट इज अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन माने बैंक आपको लोन देगा पर बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं मांगेगा, माने ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई आपका घर का पेपर रख के जाओ, या फिर ऐसा भी नहीं बोलेगा कि आप अपना क्या बोलते हैं उसको कोई एसेट है या ज्वेलरी है तो उसको मॉर्गेज करो, लैंड है तो वो रख के जाओ, मैंने उसका पेपर, ठीक है। तो अगर तो इसे नॉर्मल लेवल में मॉर्गेज कहते हैं, लेकिन कंपनीज के केस में इसी कॉन्सेप्ट को चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं सर, चार्ज। चार्ज का मतलब होता है जब कोई लोन सिक्योर्ड होता है, माने कंपनी किसी को डिवेंचर इशू कर रहे हैं, कंपनी करता है ना डिवेंचर इशू, तो जब जैसे इंडिया बुल हाउसिंग अभी मैं कुछ देर पहले आपको दिखा रहा था, डिवेंचर जब कंपनी इशू करता है तो बदले में अगर चार्ज क्रिएट करता है, जैसे कि कंपनी अपने कोई एसेट सिक्योरिटी के नाम पे, सपोज आपने कंपनी को 1,00,000 दे रहा था ना, तो कंपनी आपको क्या बोलेगा कि ठीक है आप 1,00,000 दो पर ये सिक्योर्ड है, अगर बाई चांस कंपनी आपको 1,00,000 रिपे करने में असक्षम होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो सर, अगर कंपनी 1,00,000 रिपे करने में विथ इंटरेस्ट 1,00,000 विथ इंटरेस्ट आपको वापस करने में अगर कंपनी फेलियर होते हैं, तो कंपनी का एसेट जो है ना वो आपके नाम पे पहले से ही कर दिया जाएगा। ये जो एसेट आपके नाम पे कर दिया जाता है इसे बोलते हैं चार्ज क्रिएशन, ठीक है सर। ये चार्ज क्रिएशन तब काम आता है जब किसी कारण से कंपनी आपको रिपे नहीं कर पाता है, मैंने रिडेम्पशन के टाइम पे कंपनी फेलियर होते हैं, या फिर कंपनी बाद में बार बार फेलियर होता है, तो फिर कंपनी आपको बोलेगा ठीक है आपका तो चार्ज क्रिएशन था, आप कंपनी का एसेट सेल करके अपना लोन का हिसाब या रिडेम्पशन कर सकते हो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं चार्ज क्रिएट करना, जिसे आम तौर पे नॉर्मल लोग मॉर्गेज के हिसाब से नॉर्मल बैंकिंग पैटर्न पे देखता है। मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो कुछ भी होता है, द इंस्ट्रूमेंट रेफर्ड टू इन दिस चैप्टर 3D ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड बाय ए कंपनी। तो जो कुछ भी डिवेंचर के मैटर में होता है, ठीक है, और ये जो भी चार्ज क्रिएशन के बारे में होता है ना, ये भले ही कंपनी करता हो, लेकिन ये एवरीथिंग किसके कहने पे होगा या किसका रूल रेगुलेशन चलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रिस्क्रिप्शन। इसीलिए मैं आपको अभी बैंकिंग सिस्टम के बारे में बोल रहा था, भले ही आप कंपनीज पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो चार्ज क्रिएट करना, मॉर्गेजिंग क्रिएट करना, ये कहीं ना कहीं एक बैंकिंग प्रोसेस है, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सामने आ जाता है, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का
प्रेस्क्रिप्शन उनका इंस्ट्रूमेंट्स का कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है. ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट्स है आप लोगों के लिए. ठीक है, आप चाहो तो इसको भी रेफर कर सकते हो, जो मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा लैंग्वेज इजी करके यहाँ पर भी दिया हुआ है. सेम बात जो मैं कर रहा हूँ इसी तरह से दिया हुआ है, बट थोड़ा सा लेस पॉइंट में है. द इंस्ट्रूमेंट रेफर टू इन चैप्टर 3D ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे प्रिस्क्राइब बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड बाई ए कंपनी शैल नॉट बी ट्रेडेड एज डिवेंचर. ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर मैटर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिवेंचर नहीं मानेगा तो उसको नहीं मानेंगे. समझ रहे सर? नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर डिवेंचर का नेचर क्या होता है. मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिवेंचर का नेचर क्या होता है. ठीक है, डिवेंचर फॉर कैश, देखिए जैसे बताता है कि डिवेंचर फॉर कैश एज डिफाइंड अबव डिवेंचर्स आर यूजुअली इश्यूज फॉर रेजिंग फंड्स फॉर द कंपनी. मैं अभी आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा था, मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा था कि डिवेंचर बेसिकली क्यों इशू करते हैं कंपनी, उनको पैसा चाहिए. पैसा किस लिए? क्योंकि बिजनेस चलाना है इसलिए. पब्लिक क्यों देगा? क्योंकि कंपनी को इन्वेस्ट करके कंपनी पब्लिक को रिटर्न मिलेगा. कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी को रिटर्न मिलेगा. इन्वेस्ट करके रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्ट करो रिटर्न मिलाओ. ठीक है, इंडिया बुल हाउसिंग में अगर आप पैसा डालते हो आपको रिटर्न मिलेगा. ऐसे बहुत सारा बॉन्ड्स एंड डिवेंचर मार्केट में बिकता है सर, ऐसे वेराइटीज ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर मार्केट में सेल होता है. अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी जा सकते हो. बात समझ में आ रहा है? कई केस में ऐसा देखा जाता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा डिवेंचर सही है नहीं है. ठीक है, तो फिर आप म्यूचुअल फंड को चूज कर लो, क्योंकि आपसे ज्यादा उनको नॉलेज है. दे आर द पावर हाउस, है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. और वो क्या करता है, आपका फंड को अलग अलग एसेट क्लास में लगा देता है, बदले में आपको एक हाइब्रिड काइंड ऑफ रिटर्न मिलता है. इसीलिए म्यूचुअल फंड इतना चलता है सर. आप लोग आगे जाके अगर आपका, देखो आप लोग सब फाइनेंशियल पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, अच्छा फाइनेंशियल नॉलेज रखोगे, तो आप लोग आगे जाके आप लोगों का दरवाजा खुल जाएगा फॉर म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए. ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए, जिसका फाइनेंस जितना स्ट्रांग रहेगा, जिसका लॉ जितना स्ट्रांग रहेगा, जिसका अकाउंट जितना स्ट्रांग रहेगा. मैं आपको बोलता हूँ सर, आपका मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में काम करने का. ट्रेडिशनल काम तो है ही, जो चार्टर्ड है वो ऑडिट का काम सोचता है. ठीक है, टैक्स फाइलिंग का सोचता है, अकाउंट्स मेंटेन का सोचता है. ठीक है, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो सिर्फ लीगल प्रोसीडियर का बारे में सोचता है, सीएमए वाले कॉस्टिंग के बारे में सोचता है. लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि एज ए सीएस एज ए सीएमए आज के डेट में इतना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, आप इमेजिन नहीं कर सकते. बस अपना नॉलेज को डेवलप करते जाओ. ठीक है, बस अपना नॉलेज को डेवलप करते जाओ. हर सब्जेक्ट को प्यार से पढ़ो सर, इतना प्यार से पढ़ो, इतना प्यार से पढ़ो कि सब्जेक्ट आपको क्या प्यार करे, आपको मोहब्बत कर लेगा. यानी प्यार से बड़ा माना जाता है मोहब्बत को. छोड़ो सर, पता नहीं सर, ये प्यार इश्क मोहब्बत का बात जब ना करे सर. सर किताबों के साथ ये सब, हाँ सर प्यार किसी से भी करो, मोहब्बत किताबों को करो, ये आपको बहुत कुछ देता है. इंसान से ज्यादा तो अच्छा ही है. ये देखो सर, मैं आपको क्यों ये सब बोल रहा हूँ. मार्केट में हजारों बॉन्ड टाइप्स है. ठीक है, बॉन्ड इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिवेंचर, डेफिनेशन में ही बोला है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 का जो डेफिनेशन है उसमें क्लियरली बोला है, डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड्स, है ना. इसका मतलब जब मैं बॉन्ड के बारे में कहता हूँ तो इंटरचेंजेबली यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं डिवेंचर के बारे में भी कहता हूँ. ठीक है, तो जस्ट लुक एट हियर, ये बार बार मैं दिखाता रहता हूँ आप लोगों को, है ना, जब भी मुझे मौका मिलता है. जैसे यहाँ पर एक क्या है, नाबार्ड का, नाबार्ड नाम सुने हो, नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, IRFC, ये उस दिन मैं टैक्स में बता रहा था, है ना. नहीं IRFC नहीं, IRFC तो इंडियन रेलवे फिनांसर. टैक्स में बता रहा था NHAI के बारे में, और था RECA, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. आजकल यार दस बहुत खराब हो जा रहा है सर, बादाम खाना पड़ेगा. देखो मैं नाबार्ड में क्लिक कर दिया. अब ये देखो आपको, अब ये नाबार्ड का ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, नाबार्ड आपसे क्या चाहता है, आप नाबार्ड के बॉन्ड पे पैसा लगाओ. इसका बॉन्ड मार्केट में नॉर्मली फेस वैल्यू 1000 होता है, लेकिन ये ट्रेड होता है मार्केट में, तो इसका दाम चल रहा है 1162. अगर मार्केट प्राइस में लेना है तो 1162 में आपको लेना पड़ेगा. आपको कूपन दे रहा है नाबार्ड, कूपन माने इंटरेस्ट. ठीक है, कूपन माने इंटरेस्ट. आपको कितना कूपन दे रहा है, अरे यहाँ पर मिसिंग है, कुछ काम चल रहा होगा, डेटा अपडेट नहीं है NSE के साइड में.
ऐसे कूपन इंटरेस्ट दे दोगे सर 9.01 है ना, इस तरह का। तो कहना क्या चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं कि मार्केट में वैरायटीज ऑफ ऐसे हैं जहां पर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आता, मैं आपको बोल रहा था ना कि अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से कर सकते हो, मैं बोल रहा था ना। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज भी क्या करता है थोड़ा देख लो सर, मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए। ये देखो, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फंड मार्केट में होता है, जैसे कि हाइब्रिड फंड में नॉर्मली ये मिल जाएगा आपको, हाइब्रिड फंड वगैरह होता है, इक्विटी फंड नहीं सर, हाइब्रिड फंड जिसमें आपको इक्विटी भी मिलता है और बॉन्ड भी मिलता है। एक सेकेंड, ये देखो सर, फिक्स डिपॉजिट्स, ये ज्यादातर सरकारी चीजों में इन्वेस्ट किया है, कुछ बैंक में इन्वेस्टमेंट है, नहीं यहाँ पर नहीं है, डेब्ट फंड, एक सेकेंड, लिक्विड फंड लिक्विड में होगा क्या, मे बी लिक्विड में हो सकता है। ये देखिए सर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, ट्रेफ, एचडीएफसी बैंक, ज्यादातर यहाँ पर मुझे एफडी दिख रहा है सर, ठीक है। बट बहुत केस में आप देखोगे कि कंपनी का डिवेंचर्स भी है, माने कंपनी क्या करता है, आपका पैसा लेके सरकारी सिक्योरिटी में डाल देगा, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल देगा, किसी पब्लिक क्या बोलते हैं उसको, कंपनी के कॉमर्शियल पेपर में डाल देगा, सब अलग अलग टाइप ऑफ एसेट्स है, ठीक है, बॉन्ड में डाल देगा, डिवेंचर में डाल देगा। ये तो एक पर्टिकुलर कंपनी है, पराग पारे कैसे बहुत म्यूचुअल फंड कंपनीज है, तो क्या करेगा आपका फंड पैसा लेके, जैसे यहाँ पर इनके पास कितना पैसा है देखो, 1456 करोड़, ऐसा अलग अलग लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है, फिर उनका पैसा मार्केट में जाएगा, ठीक है, वो पैसा मार्केट में क्या करेगा, स्प्रेड कर देगा, ठीक है, डाइवर्सिफाई कर देगा, और बदले में आपको एक रिटर्न देगा जो नॉर्मली बैंक वगैरह से ज्यादा हो जाता है सर, ठीक है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिवेंचर फॉर कैश यूजुअली इशूड फॉर रेजिंग फंड्स फॉर द कंपनी, दे आर मेनली इशूड फॉर कैश, द डिवेंचर कैन बी इशूड आइदर एट पार और एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। तो कंपनी क्यों इशू करता है डिवेंचर, ये बता रहा है आपको, डिवेंचर इसलिए इशू करता है क्योंकि कंपनी को कैश का जरूरत है बिजनेस के लिए, तो कभी एट पार माने जो भी दाम है, नॉर्मली डिवेंचर का प्राइस 1000 टका हो सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट है, अब 1000 करके है तो 1000 एट पार हो गया, अगर 1000 का चीज आपको 980 में मिलता है, मैंने डिस्काउंट में हो गया, ठीक है, ये पार वैल्यू हो गया, और अगर प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, जिसका महंगा है मार्केट में, डिमांड हाई है, ठीक है, मैंने जिसका जो कंपनी बहुत पॉपुलर है ना, जहां पर पैसा बहुत सिक्योर है ना, वहां पर वो प्रीमियम में चलता है, ठीक है, ये देखो सर, 1000 टका का फेस वैल्यू था, लेकिन अभी मार्केट में प्रीमियम वैल्यू में चल रहा है, हाई फाई दाम पे चल रहा है, किसी किसी का दाम थोड़ा कम भी हो जाता है, ये देखो इसका, देखो सर इसका, देखो मार्केट में थोड़ा कम दाम में चल रहा है, ECL फाइनेंस बोल के कोई है, 1000 का फेस वैल्यू है, लेकिन लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है 990, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा ये तो मार्केट में है, बट इशू के टाइम पे भी कभी कभी कंपनी करता है, ये मार्केट में है, मतलब ये ऑलरेडी इशू हो चुका है, ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी इशूड है, तभी मैं दिखा पा रहा हूँ। और जब कंपनी फर्स्ट टाइम आता है ना, ठीक है, अलग अलग ट्रांचेस में आते हैं, तो कंपनी उसको इशू करने के टाइम पे भी इस तरह का सिनारियो दिखा सकता है। सर समझ में आ गए सर, डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, ए कोलेटरल सिक्योरिटी इज एडिशनल सिक्योरिटी अलोंग विद द प्राइमरी सिक्योरिटी व्हेन अ कंपनी ऑब्टेन्स लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम ए बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिवेंचर इश्यूज एज सच ए कोलेटरल लायबिलिटी आर ए कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर द कंपनी, ओनली व्हेन द कंपनी डिफॉल्ट्स ऑन सच ए लोन प्लस इंटरेस्ट विल दिस लायबिलिटी अराइज। माने क्या करता है, कंपनी पब्लिक से पैसा ले लिया, ठीक है, और अब ये पैसा कंपनी के लिए ना एक बड़ा सा फंड हो गया, कैपिटल हो गया ना, अब ये कैपिटल के ऊपर बेस करके कंपनी मार्केट से और लोन ले लेगा, माने वो कोलैटरल सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। कंपनी मानो कोई बैंक में जा रहा है, तो कंपनी बैंक के पास जा रहा है, मानो 100 करोड़ कंपनी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो कंपनी के पास ऑलरेडी इतना डिवेंचर है कि बैंक भी खुशी है कि भाई ठीक है चलो, इसके पास इतना डिवेंचर है कि अगर बाई चांस ये मेरा लोन रिपे भी ना कर पाता है तो इनका डिवेंचर मेरा हो जाएगा, इसलिए वो सिक्योरिटी दिलवा देता है। तो कंपनी के पास डिवेंचर होता है ना, तो उसको सिक्योरिटी मिल जाता है, इसलिए इसको कोलैटरल बोलते हैं। डिवेंचर इशूड एज कंसिडरेशन अदर देन कैश, दिस इज अनदर टाइप ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, समटाइम्स कंपनी रिक्वायर्स सम एसेट्स और मशीनरीज, प्लांट्स और इक्विपमेंट्स व्हिच आर ह्यूज इन कॉस्ट, ठीक है,
द कंपनी निड नॉट हैव मनी एट दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर द पेमेंट. ठीक है, कंपनी को पैसा नहीं चाहिए. इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन द कैश द कंपनी इशू डिवेंचर टू द वेंडर अगेंस्ट सच परचेस विद द टर्म्स द पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो कंपनी क्या कर सकता है डिवेंचर को, मानो कंपनी के पास मशीन का जरूरत है, ठीक है, तो कंपनी वो मशीन कैश में परचेस नहीं कर सकता. कंपनी क्या करेगा, डिवेंचर इशू कर देगा, बोले ठीक है आप एक काम करो, आपको मैं कैश नहीं पे कर सकता लेकिन आपको मैं डिवेंचर पे कर रहा हूँ. द कंपनी निड नॉट हैव मनी एट द पर्टिकुलर टाइम फॉर द पेमेंट, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश द कंपनी इशू डिवेंचर्स. किसको, वेंडर को. वेंडर माने सेलर होता है, अगेंस्ट सच परचेस. इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी उसको रिडीम कर देगा बाद में, ठीक है, विद द टर्म्स ऑफ द पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो कैश पेमेंट ना करके डिवेंचर रिडीमशन के थ्रू से पेमेंट करेगा, ठीक है. पब्लिक को क्या, मतलब वेंडर को क्या बोलेगा, भाई आपके नाम पे डिवेंचर कंपनी दे दिया. अब इसका मतलब है कि आपने कंपनी को लोन दिया, है ना, सिंपल बात है सरो. देखो सर, कोई कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, ध्यान से सुनना बात को. अब एक्स लिमिटेड अगर मार्केट में मशीन परचेस किया है, ठीक है, अब मशीन का पेमेंट, मशीन जिससे लिया है वो कौन है, सप्लायर. अब जिसको आप सप्लायर बोलते हो या फिर जिसको आप सेलर बोलते हो, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हो, अगर पेमेंट नहीं हुआ, मशीन आपने क्रेडिट में लिया, पॉइंट टू बी नोटेड, तो प्लीज टेल मी सप्लायर है सेलर को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे, क्योंकि कंपनी को इस, है ना, कंपनी को इसको पे करना है, पे करना है ना. तो कंपनी क्या बोलता है कि भाई मेरे पास कैश नहीं है, मैं काम करता हूँ कि तुम्हारे नाम पे डिवेंचर बना देता हूँ. तो कंपनी, तो क्रेडिटर का भी ना क्या हो गया, क्रेडिटर भी उसको पता लगे भाई चलो ये अच्छा है कि हम भी लाइन में लग जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास डिवेंचर है कंपनी का, जब भी रिडेम्पशन का डेट आएगा, कंसिडरेशन होगा तो मिल जाएगा. तो कंपनी वेरियस पर्पस में डिवेंचर का वैल्यूएशन को यूज कर सकता है, ठीक है. तो ये यूज हो गया नेचर. कितना तरह का डिवेंचर होता है, सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है, कन्वर्टेबल भी होता है, नॉन कन्वर्टेबल भी होता है, रिडीमेबल होता है, रिडीमेबल भी होता है. तो सिक्योर्ड के बारे में क्या कहता है, सिक्योर्ड माने मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो बेसिकली कोई एसेट के बदले आपको, माने कंपनी क्या करता है, जब भी किसी को इशू करता है बदले में अपना एसेट चार्ज कर देता है. तो डिवेंचर इशू कैन बी सिक्योर्ड बाई ए मॉर्गेज और चार्ज. देखो लैंग्वेज क्या यूज किया, मॉर्गेज और चार्ज, एक ही बात है सर, ठीक है, ऑन द प्रॉपर्टी. आप लोग कंपनी के केस में चार्ज वाला वर्ड ज्यादा यूज करना, बट सिर्फ मॉर्गेज वर्ड यूज ना करना ही अच्छा है. यूज करो तो मॉर्गेज और चार्ज बोल के यूज कर सकते हो. तो कंपनी से फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी को 1 लाख दिया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि किसी एक्स लिमिटेड को आपने 1 लाख का डिवेंचर दिया, ठीक है, वैल्यूएशन का, मैंने आपने सब्सक्राइब किया, कंपनी ने इशू किया था. तो कंपनी क्या करता है, एक्स लिमिटेड मानो क्या करता है, अपना एयर कंडीशन जो है ना 1 लाख वैल्यू का, सपोज कंपनी के पास 2 एयर कंडीशन है जिसका मार्केट वैल्यू अप्रोक्स 1 लाख के आसपास है, मैंने 1 लाख ही है मानो. तो कंपनी क्या करेगा, अपना एसी आपके नाम पे मॉर्गेज कर देगा कि इफ इन फ्यूचर कंपनी रीपे करने में फेलियर होते हैं, है ना, तो फिर आपको कंपनी के एयर कंडीशन पे क्या हो जाएगा, अधिकार आ जाएगा. एयर कंडीशन मैंने एग्जाम्पल के नाम पे लिया सर, ठीक है, कोई भी एसेट हो सकता है, कोई भी एसेट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ. और जब इस तरह का कुछ भी नहीं होता उसे अनसिक्योर्ड बोलते हैं. जैसे रिसेंटली मोदी जी ने, आप लोग जानते हो कि नहीं, आई डोंट नो, जाना करो सर, लोगों को बताया करो. सरकार का कोई भी स्कीम आता है ना, चाहे मोदी जी लाए या ममता दीदी लाए या कोई भी सरकार लाए, पब्लिक को जानना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिसेंट प्रोग्राम आया है सर, विश्वकर्मा पूजा नहीं, विश्वकर्मा स्कीम, पीएम विश्वकर्मा, इस नाम पे आया है सर, पीएम विश्वकर्मा. क्या है ये पीएम विश्वकर्मा, पता है आप लोगों को, ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत, न्यूज मिले तो अच्छा है, पीएम विश्वकर्मा योजना, ये बहुत फेमस करंट अफेयर्स भी है सर, ठीक है, एकदम रिसेंटली हुआ है. विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को गया है, ठीक है, 17 सितंबर में ही गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, ये उनके दिमाग में आया और उन्होंने बताया पॉलिसी मेकर्स कि भाई हम लोग इस तरह का कुछ करना चाहते हैं. तो उन्होंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ. मेनली
ये पीएम विश्वकर्मा क्या है? सबसे पहले देखो, विश्वकर्मा माने जो हमारे देश में अलग अलग वर्किंग क्लास हैं, जो कुछ ना कुछ आर्टिशंस या क्राफ्ट्समैन का काम करते हैं, मेनली स्मॉल आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन, जो हाथ का स्किल्ड वर्क करते हैं, जैसे कि जो लोहार का काम करते हैं, लोहार, ठीक है, जो मिट्टी का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिट्टी का काम जो करते हैं कुम्हार, ठीक है, जो और भी जैसे पॉटरी बोलते हैं ना उसको, पॉटरी का काम करने वाला, लोहा का काम करने वाला, ठीक है, माने आयरन स्मिथ इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, इस तरह का आप समझ गए होंगे। तो ऑन द स्पेशल ऑफिकेशन ऑफ विश्वकर्मा जयंती प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर लॉन्च द पीएम विश्वकर्मा योजना रेडफोर्ड में बताया। स्कीम क्या है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। कारपेंटर है, बोर्ड मेकर है, ब्लैक स्मिथ है, हैमर एंड टूल किट मेकर है, लॉक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, पॉटर है, स्कल्प्टर है, स्टोन ब्रेकर है, कॉबलर, मैसन, बास्केट मैट, ये सब कॉयर वेवर, बहुत लोग हैं। टोटल गवर्नमेंट के पास फंड है इसके लिए 13,000 करोड़ का। फिशिंग नेट मेकर, टेलर, वॉशरमैन, गार्लैंड मेकर, ठीक है, सारे के सारे इसमें उनको 15,000 करके क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है, सभी लोगों को जो अप्लाई करेगा, और उनका अगर ऐसा कोई बिजनेस है, ठीक है, उनको दिखाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट आधार कार्ड के थ्रू से और बिजनेस के प्रमाण के थ्रू से, बस करप्शन ना हो। कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट देख रहे हो सर आप लोग, फर्स्ट ट्रांचेस में कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट, माने बदले में कुछ लेगा क्या सरकार? सरकार बैंक के थ्रू से ही करेगा, ये जो पैसा जाएगा थोड़ी ना गवर्नमेंट जाके लेगा, नहीं, लोकल बैंक के थ्रू से ये सब प्रोजेक्ट काम करेगा, सब लोकल बैंक के थ्रू से जाएगा। बिजनेस के लिए 1,00,000 मिलेगा हर किसी को फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकेंड पार्ट में 2,00,000 करके मिलेगा, माने पहले काम कंप्लीट करके प्रमाण दो कि काम का ठीक से हुआ आपका, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम फिर से 2,00,000 मिलेगा, ठीक है, और सब जब सेकेंड टाइम मिलेगा तब 5% इंटरेस्ट बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, सेकेंड टाइम पे इंटरेस्ट लगेगा पर फर्स्ट टाइम पे नो इंटरेस्ट, आपको वही 1,00,000, ठीक है, नहीं सॉरी इंटरेस्ट है, सॉरी मैं गलत बोला, इंटरेस्ट इज देयर बट कोलेटरल नहीं है, 5% का इंटरेस्ट है बेसिकली, 5% माने बहुत ही कम, माने 1,00,000 टका अगर आपको मिलता है तो साल में 5,000 आपको बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा, आप उससे ज्यादा ही कमाओगे। अगर 15% भी कमाता है ना बिजनेसमैन, माने विश्वकर्मा का जो भी काम करते हैं, जो बेसिकली विश्वकर्मा का मतलब क्या होता है, विश्वकर्मा माने सिर्फ कोई मूर्ति नहीं है, विश्वकर्मा माने वर्किंग क्लास जिनके कारण ये पूरा वर्ल्ड चलता है, हर कोई, अगर वो दिन वो लोग एक दिन काम करना बंद कर दे पूरा दुनिया बंद हो जाएगा, उन्हीं का जो सबसे पावरफुल एक कॉन्सेप्ट एज पर इंडियन कॉन्सेप्ट में जो हिंदू धर्म में बहुत दिनों से चले आ रहे हैं उनको विश्वकर्मा कहते हैं, ये सिंबॉलिक है लेकिन उसके नाम पे एक पूजा होता है, कितना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, सोचो तो मजा आ जाएगा, नहीं तो कोई बोलेगा अरे कौन सा भगवान विश्वकर्मा कहाँ से, अरे भाई इनको आप सोचो कि किस लेवल का सोच है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, जो भी हो चलो सर ज्यादा देश के बारे में नहीं बोलेंगे, आपको कोलेटरल फी का रिसेंट एग्जांपल मेरे को याद आ गया तो मैं आपको बताया, ठीक है, अगर कोई जानकार है आपका, ठीक है, आप उनको बताओ कि सरकार दे रहा है, वो बैंक में जाए वहां पर जाके स्कीम के बारे में बात करे, ठीक है, पूछे। प्रॉब्लम क्या है ना, सरकार बहुत प्रोजेक्ट तो करते हैं लेकिन आम आदमी तक ये खबर नहीं पहुंचता ज्यादातर केस में। अच्छा, तो आई होप कि अनसिक्योर्ड डिवेंचर या कोलेटरल फ्री लोन सब एक ही बातें हैं, कभी सरकार दे रहा है तो कभी कंपनी कर रहा है। अच्छा, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, डिवेंचर ये भी हो सकता है, कन्वर्टिबल माने जिसको आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, माने आज आप डिवेंचर इशू कर रहे हो बट कल अगर आपको लगे, कंपनी को लगे, तो वो क्या करेगा, डिवेंचर होल्डर को शेयर में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा होता है सर, ठीक है, आप लोग शायद क्वेश्चन भी करोगे इस तरह का, अकाउंट्स में भी इस तरह का होता है कि शेयर को, डिवेंचर को
शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अच्छा रिडीमेबल भी होता है, अच्छा एनसीडी तो मैंने बताया, एनसीडी मैंने नॉन कन्वर्टेबल, जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और ये सारे बात कहां लिखा रहता है, ट्रस्ट डीड में, डिबेंचर का ट्रस्ट होता है, मैं आपको बताता हूं, मैंने बिना ट्रस्ट का डिबेंचर नहीं इशू कर सकता कंपनी। ट्रस्ट माने वो होता है जो एक ट्रस्टी बोर्ड होता है जिसके कारण डिबेंचर कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू कर पाता है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना वो ट्रस्टी जिम्मेदारी लेता है सबको अपना पैसा वापस करने का। तो ये ट्रस्टी बोर्ड कोई नॉर्मल लोग नहीं होता, पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोग होते हैं, तभी जाके म्यूचुअल फंड का भी ट्रस्टी होता है, डिबेंचर का भी ट्रस्टी होता है। बिना ट्रस्टी बोर्ड का या बिना ट्रस्ट डीड का डिबेंचर इशू ही नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है सर? बिना ट्रस्ट का डिबेंचर इशू ही नहीं हो सकता। एक सेकंड, ट्रस्ट के बारे में यहां पर एक पॉइंट था, कहां चला गया? ये देखो सेक्शन 71 सबसेक्शन 7, लायबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, एनी प्रोविजंस कंटेन इन अ ट्रस्ट डीड फॉर सिक्योरिंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय अ ट्रस्ट डीड shall be void in so far as it would have the effect of exempting a trustee thereof from or indemnifying him against any liability for breach of trust. माने क्या है ना, public जब किसी company को debenture देता है तो एक trust का matter है, भरोसा का matter है। तो पैसा है सर, इतना सारा लोगों का पैसा, तो trust नहीं टूटना चाहिए, उसके लिए debenture trust है। Where he fails to show the degree of care and due diligence required for him as a trustee, having regard to the provisions of the trust deed conferring on him any power, authority or discretion, it is provided that the liability of debenture trustee shall be subject to such exemption as may be agreed upon by majority of debenture holder holding not less than 3/4 in value of the total debentures at a meeting held for this purpose. Iska main aapko aage aur bataunga ki jo debenture trustee hoga na, debenture trustee hona ek bahut bada baat hai sir, क्योंकि डिवेंचर ट्रस्टी के ऊपर बेस करके डिवेंचर होल्डर कंपनी पे पैसा लगाता है, ये सिस्टम बना हुआ है। तो कभी कभी उनका लायबिलिटी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है अगर 3/4 डिवेंचर होल्डर उसमें वोट दे कि हाँ चलो भाई यहाँ पर डिवेंचर ट्रस्टी का कोई गलती नहीं है। 3/4 माने आप हिसाब लगा लो कितना होता है, 3/4 माने 75% ना, कितना होता है सर, 3/4 माने 75%। अगर मेजोरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर डिबेंचर ट्रस्टी को एग्जेम्प्ट करता है तभी वो किसी लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो, मैंने अगर मार्केट में कोई डिबेंचर का पैसा होल्डर का पैसा नहीं रिपे कर पाया कंपनी, ओके, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर बहुत सारा ऑब्लिगेशन आ जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक से देख नहीं रहे हो क्या। तो और डिबेंचर ट्रस्ट में वो लोग बैठा होता है जिनके पास पैसा होता है, तभी वो ट्रस्ट में आ सकता है, ठीक है। वो डिबेंचर होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए आता है, ये सेक्शन 71 सबसेक्शन 6 में बोला है, डिबेंचर ट्रस्टी शैल टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स एंड रिड्रेस देयर ग्रीवांस। ग्रीवांस माने कोई प्रॉब्लम हो तो उनके पास जाओ, विथ सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। समझ गए सर, ये होता है ट्रस्ट, तब जाके डिबेंचर मार्केट में कंपनी ला सकता है। ये सर सबको समझ में आ रहा है, ये सर नो, यस सर, रिडीमेबल और रिडीमेबल, ओके सर, थैंक यू सर। अब डिबेंचर रिडेम्पशन भी होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन होता नहीं है, ऐसा भी होता है। ऐसे आजकल ये इरिडीमेबल कॉन्सेप्ट ना बंद हो गया है, ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट बंद हो गया है, मैंने मार्केट प्रैक्टिस कम हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट है बना हुआ। अब डिबेंचर रिडेम्पशन का मतलब होता है कि अगर नॉर्मली क्या होता है, 2 साल 4 साल 5 साल, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स के लिए कंपनी नॉर्मली डिबेंचर इशू करता है, फिर उसको रिडीम करता है। रिडेम्पशन माने कंपनी को विथ इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू लौटा देगा। सपोज आपने 1 लाख जमा किया था कंपनी के डिबेंचर में, आपको कंपनी ने बोला था 10% समेत आपको लौटाएगा, तो 1,10,000 या जितना इंटरेस्ट आपका एक्रू होता है समेत आपको वापस करेगा, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन करना, रिडीम करना, ठीक है। जैसे आप लोग कूपन रिडीम करते हो ना,
आप लोग शॉपिंग करके कूपन नहीं मिलता आपको, तो कॉपी कूपन से दुर्गा पूजा आ रहे हैं, है ना, शॉपिंग टाइम आ रहा है वेस्ट बंगाल में, और फिर दिवाली आ जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, कूपन मिलेगा, शॉपिंग करेगा कूपन मिलेगा, स्पेशली शॉपिंग मॉल वगैरह में, या फिर ऑनलाइन पे भी मिलता है आजकल, आजकल ऑनलाइन पे भी मिलता है, ये मिंत्रा वगैरह में देखा हूँ, फ्लिपकार्ट वगैरह, कूपन मिलता है 5,000 का शॉपिंग करने से कूपन, सुपर कॉइन, क्या क्या सब मिलता है सर, अब उसको क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, ठीक है। सो रिडीमेबल डिबेंचर मींस द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ द डिबेंचर, दो साल के लिए टाइम था, दो साल हो गया, कंपनी को क्या करना है, उसको वापस कर देना जिसका पैसा लिया था विथ इंटरेस्ट। एंड इररिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, कंपनी डिबेंचर को वापस नहीं करेगा, सिर्फ उसका इंटरेस्ट देता जाएगा, कंपनी विल नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर एंड ओनली इंटरेस्ट विल पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स अंटिल द कंपनी विशेस टू रिडीम और कैंसिल द डिबेंचर। जब तक ये डिबेंचर को कैंसिल नहीं कर जाता अनलिमिटेड टाइम तक, पता नहीं मरण बोल सकते हो, आजीवन बोल सकते हो, जब तक जिंदा है, जब तक मरता नहीं है कंपनी, तब तक डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देता जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आजकल नहीं दिखता है, बट ये भी एक होता है, परपिचुइटी कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में, इसको बोलते हैं परपिचुइटी, माने परपिचुअल टाइम तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसका भी कैलकुलेशन हम लोग फाइनेंस में सीखते हैं, ठीक है सर। तो ये मेन मेन टाइप्स होते हैं डिवेंचर का। वोटिंग राइट्स है क्या, नॉर्मली डिवेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता सर, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, लोन देते हैं, शेयर होल्डर थोड़ी है, तो डिवेंचर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, दे आर डेब्ट टू द कंपनी, ठीक है, वो कंपनी को लोन देता है विच नीड्स टू बी पेड ऑफ, ठीक है, कंपनी को वो पे कर देना चाहिए। हाउएवर व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड आर द ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन, अगर कंपनी को कोई डिबेंचर कन्वर्जन के रूप में दिया गया है, से फॉर एग्जांपल आप कंपनी में डिबेंचर होल्डर पहले बने थे, फिर बाद में आप कन्वर्ट हो गए शेयर होल्डर में, ठीक है, डिबेंचर होल्डर से शेयर होल्डर बन गए, मानो आपके पास 50 लाख डिबेंचर था वैल्यूएशन का, बदले में आपको कंपनी शेयर होल्डर बना दिया जिसका वैल्यूएशन सेम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑन दैट टाइम कंपनी के साथ आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर। तो अगर आप डिबेंचर होल्डर से शेयर होल्डर बन जाते हो, देन वंस कन्वर्टेड टू इक्विटी दे शैल कैरी वोटिंग राइट्स, ऑब्वियसली सर कैरेक्टर बदल गया, कैरेक्टर बदल गया, समझ रहे हो सर, कैरेक्टर ही बदल गया, मैंने उसका जो मेन कैरेक्टर है डिवेंचर का कैरेक्टर से वो भी शेयर के कैरेक्टर में आ गया है, अब वोट दे सकता है, बिल्कुल वोटिंग राइट्स आ जाएगा। मैं आप लोगों को वोटिंग के बारे में बहुत ऑलरेडी एक बार बोला सर, और वोटिंग के बारे में स्पेशल क्लास भी होता है, मैं आगे आगे कराऊंगा आपको, या फिर अगर आपके पास बैकअप है वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो या देख सकते हो, ठीक है, कि वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। कंडीशन फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, कंडीशंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने का कंडीशंस क्या है, अब चलो शॉर्ट में फटाफट बताता हूं आपको मैं। द एक्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन कंडीशन विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड प्रायर टू इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर इशू करने से पहले कंपनी को कुछ चीजें फॉलो करना पड़ता है। द रिडेम्पशन ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स नॉट टू एक्सीड 10 years फ्रॉम द इशू डेट, अगर सिक्योर्ड डिबेंचर है 10 साल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाउएवर फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज कैन इशू डिबेंचर्स फॉर मोर देन 10 years बट नॉट एक्सीडिंग 30 years, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है जो 10 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए डिबेंचर इशू कर सकता है, बट नॉर्मल केस में 10 साल तक का डिबेंचर इशू कर सकता है, माने आप आज कंपनी मार्केट से डिबेंचर इशू कर रहा है तो सब्सक्राइब किया लोगों ने तो 10 साल के लिए, जैसे अभी मैं आपको जो बता रहा था किसके बारे में, कौन है वो, अरे ये वाला इंडिया बुल्स, इसके बारे में बता रहा था ना मैं आपको, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये 2-5 साल के लिए डिबेंचर दे रहे हैं सर, 2-5 साल के लिए, इसका एक नोटिस था, वो नोटिस अगर आपको मिल जाए ना आपको पता लग जाएगा, इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन, ये देखो सेक्रेटरियल कॉर्पोरेंस कंप्लायंसेस, मिलता है बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, अगर मिल जाए तो मैं दिखा दूंगा आपको, फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो दिखा दूंगा। नॉर्मली नॉर्मल कंपनी 10 साल के लिए कर सकता है, बट कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है जो 10 साल से 30 साल तक कर सकता है, 10 ईयर से भी ज्यादा, बट 30 साल क्रॉस नहीं करेगा, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। कौन कर सकता है, कंपनीज एंगेज इन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करने में टाइम लगता है,
ठीक है, जैसे हाईवे बनाना, रोड बनाना, बड़े बड़े फैक्ट्री बिल्डअप करना, ठीक है, शॉपिंग मॉल बनाना, टाउन बनाना, समझ रहे हो सर? टाउन बनता है ना, जैसे न्यू टाउन बनाया है कोलकाता में, कौन बनाया न्यू टाउन को पता है? न्यू टाउन को कौन बनाया? एक कंपनी है, कंपनी का नाम है हार्डको, ठीक है? ये हार्डको स्टॉक मार्केट में तो नहीं है, स्टॉक मार्केट में नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है। इसका नाम है सर वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसी ने पूरा न्यू टाउन को डेवलप किया, इसलिए जब भी आप न्यू टाउन में घूमने जाते हो, न्यू टाउन गेट के आसपास में आपको हार्डको भवन दिखता है, क्योंकि इसी ने, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये भी बॉन्ड वगैरह इशू करता है। ये देखो इन्वेस्टर्स देख रहे सर, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। चलो, ऐसे बहुत अच्छा सिटी बनाया सर, प्लान टाउन बनाया, मैंने लोग कहते हैं, लोग तो बोलते हैं कि न्यू टाउन बहुत सुंदर बना है। चलो, अगर बना है सुंदर तो सुंदर है, अब अगर कोई सुंदर है तो फिर उसको सुंदर ही तो बोलना पड़ेगा, है ना सर? सर चलो नेक्स्ट। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने वाला कंपनी अगर मार्केट से डिवेंचर इशू करता है, वो 10 ईयर से 30 ईयर्स तक का कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। एक होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और दूसरा होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था एनएसई के साइड से, कहाँ गया भाई, ये देखो, देयर इज अ डिफरेंस सर। एक होता है फाइनेंस कंपनी जो सिर्फ फाइनेंस करते हैं, जैसे जो फाइनेंस करेगा ना, उसके नाम के पीछे फाइनेंस वाला वर्ड लिखा रहता है नॉर्मली। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, IRFC, ये क्या करता है कि रेलवे को फाइनेंस करते हैं, ठीक है? इसका शेयर है मार्केट में, मेरे काफी स्टूडेंट ने ये शेयर लिया था और अच्छा खासा कमाया भी था इसका, जब IPO आया था तब से, 2018-19 के टाइम पे आया था सर। कहाँ गया कहाँ गया, देखो 24-25, अच्छा 21 में आया था, सॉरी। अब देखो कुछ काफी दिनों तक थोड़ा स्लो चला, लेकिन हाल फिलहाल में क्या ग्रोथ दिया सर, ठीक है? तो जो लोग उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था आज तो मजा ले रहा होगा, है ना? क्योंकि 20 टका में लिया था सर, 20-25 में, अभी 75, मजाक है क्या? एक शेयर अगर किसी ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न देख लो आप, ठीक है, 200% के आसपास, कौन देगा, जिंदगी भर में नहीं मिलेगा जो भी हो। लेकिन ये करता क्या है सर, ये इंडियन रेल को फाइनेंस करता है। ओके, इंडियन रेल को पैसा चाहिए होता है तो वो फाइनेंस कर देगा, फाइनेंस माने जुगाड़ है, ठीक है? ये देखो रेवेन्यू देखो सर कितना कमा लेता है, रेल को फाइनेंस करके इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं, इतना ऑपरेटिंग इनकम है, इतना नेट इनकम है, इतना एसेट बना लिया, इतना इक्विटी है इनके पास, सरकार का कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आई होप यू अंडरस्टैंड फाइनेंस कंपनी का मतलब क्या है, ठीक है? तो ये भी बॉन्ड इशू करता है, तो ये बात तो समझे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 7A सब डिरेक्शन 1, ठीक है, ऑफ डिरेक्शन 2 ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, अच्छा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल भी कर सकते हैं, जैसे नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग। NBFC और नॉर्मल फाइनेंस कंपनी में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है? और एक होते हैं रिजर्व बैंक के अंडर जो कनेक्ट, ऐसे नॉर्मली सारे के सारे रिजर्व बैंक में होते हैं, कुछ होते हैं जहां पर ना NBFC माने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बेसिकली वो बैंक नहीं है, और बैंक नहीं है इसके कारण क्या है ना, वो डिपोजिट नहीं ले सकता पब्लिक से। कुछ लोग करते हैं आजकल, आजकल कुछ NBFC भी डिपोजिट लेते हैं, बट नॉन डिपोजिट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग माने किसी का पैसा रखेगा नहीं बैंक की तरह, ठीक है? तो वो उनके बारे में भी बोला है, वो भी कर सकता है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ठीक है? जैसे IRFC के बारे में बता रहा था आपको, या फिर कंपनीज प्रूडेंशियल नॉर्म रिजर्व बैंक के तहत जो है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एज डिफाइंड इन क्लॉज 2 ऑफ डायरेक्शन 3 ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वही बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण डेट इशू करता है। कंपनीज परमिटेड बाई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाई नेशनल हाउसिंग बैंक और बाई एनी अदर
स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू इशू डिवेंचर्स फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 10 इयर्स. सरकार अगर बोल दिया कि भाई इनको आप नेशनल हाउसिंग बैंकिंग के थ्रू से है, जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग, ठीक है, ये हाउसिंग है ना, तो ये नेशनल हाउसिंग के अंदर आता है सर, ठीक है, नेशनल हाउसिंग के अंदर आता है. तो अगर नेशनल हाउसिंग के अंदर आता है तो फिर वो भी आ सकता है. और ये जो भी इशू करेगा, द इशू शैल बी सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टीज और एसेट ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स एसोसिएट कंपनी हैविंग अ वैल्यू व्हिच इज सफिशिएंट फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर और इंसर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, है ना, बिफोर एग्जीक्यूटिंग डिबेंचर इशू करने से पहले ट्रस्ट बनाओ. ठीक है, ट्रस्ट का काम मैं आपको बता रहा था, ठीक है, बिना ट्रस्ट बोर्ड का डिबेंचर इशू हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी का काम ये है कि डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन वही देता है. इन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है डिबेंचर होल्डर का, जो भी कंपनी का पैसा इन्वेस्ट करता है उनके साथ अगर धोखा होता है तो वो किन के पास जाएगा, वो कंपनी के पास जाएगा. कंपनी अगर कोई रिस्पॉन्स ना करे तो ट्रस्ट बोर्ड के पास जाएगा, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो कंपनी के साथ काम करता है पर इंडिपेंडेंट है, तो वो ग्रीवांस की तरह सोल्यूशन करेगा. इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो कंपनी इशू डिबेंचर इशू करेगा, इसके लिए कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑथराइज करेगा. बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप लोग काफी बेहतर तरीके से पढ़ चुके हो. अच्छा, हर कंपनी का एक बोरोइंग लिमिट हो सकता है कि भाई कितना बोरो करेगा, है ना, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कुछ भी थोड़ी ना हो सकता है. वैल्यूएशन के हिसाब से होता है, मार्केट में नीड के हिसाब से होता है, तो आपको बताना पड़ता है सेबी के पास, ठीक है, सरकारी अथॉरिटी के पास कि भाई कितना चाहिए आपको, क्यों चाहिए आपको, किस कारण से पैसा रेज करना चाहते हो, ठीक है, नीड के बेसिस में आपका लिमिट बांध देता है गवर्नमेंट, उसके ऊपर नहीं कर पाओगे. इफ नीड टू बी इंक्रीज्ड कैन बी डन सेपरेटली बिफोर इश्यूअर कैन बी अप्रूव्ड एट द सेम मीटिंग. वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर अराइविंग एट ए प्राइस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का दाम क्या होगा, ठीक है, उसका वैल्यूएशन करना. ओपनिंग ए सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर डिबेंचर इशू, पार्किंग दी मनीज देयर, डिबेंचर के तहत जितना पैसा कलेक्ट करोगे ना उसको अलग बैंक अकाउंट में जमा करो, ऐसा नहीं कि कंपनी के नॉर्मल बैंक अकाउंट में डाल दोगे, है ना, करंट अकाउंट में डाल के बिजनेस करें, पहले उसका अकाउंट बनाओ फिर वहां से अलग से रेज करना. कॉल बोर्ड मीटिंग टू अप्रूव द फॉलोइंग, ऑफर लेटर अप्रूवल, उसके लिए एक PS फॉर्म चाहिए, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, ये PS4 माने प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से चैप्टर हो चुका है, ठीक है, वहां पर हम लोग PS4 ये सब पढ़े हैं सर, जो लोग कर चुके हो. प्रॉस्पेक्टस बोले कि एक चैप्टर होता है, वहां पर मैंने पढ़ाया, जिनका नहीं वो बाद में कर लेंगे. ऑफर लेटर अप्रूवल इन फॉर्म PS4, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड में मिलता है. अप्रूवल फॉर्म ऑफ PS5 फॉर रिकॉर्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट माने जब कंपनी प्राइवेट लेवल में काम करता है तो प्राइवेटली मार्केट से पैसा रेज करता है. दो तरह का होता है ना, एक पब्लिक इशू होता है, एक प्राइवेट इशू होता है. अपॉइंटमेंट डिबेंचर ट्रस्टी एंड डिबेंचर ट्रस्टी एग्रीमेंट, अप्रूवल ऑफ डिबेंचर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, ऑथराइज क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ सिक्योर डिबेंचर. समझ गए आप लोग, क्यों, क्योंकि ये सब बात मैं इतना देर से समझा रहा था. तो फिक्स डेट एंड टाइम ऑफ शेयर होल्डर EGM AGM एटसेट्रा. अच्छा, अगर EGM का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. AGM का मतलब क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग. हर साल कंपनी को नॉर्मली AGM ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, उसके बाद एक टाइम फ्रेम होता है, 9 मंथ्स के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर, डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है, आपको AGM करना पड़ेगा, ठीक है, तो AGM मस्ट है. अगर कोई कंपनी AGM नहीं कर पाता है, AGM के ऊपर स्पेशल क्लास कराऊंगा बहुत जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं कंपनी मीटिंग्स वगैरह बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बताऊंगा आपको. तो शेयर होल्डर मीटिंग में AGM करके शेयर होल्डर मीटिंग होता है. अब अगर कोई बात AGM में नहीं हो पाता तो EGM बुलाया जाता है. EGM और AGM में ही फर्क होता है कि AGM में मानो कोई स्पेशल पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ या नहीं कर पाए तो फिर EGM बुलाएगा. अच्छा, इशू नोटिस ऑफ EGM टू शेयर होल्डर, मीटिंग होगा तो शेयर होल्डर को नोटिस तो भेजना है ना, ये आगे बात करेंगे सर हम लोग, इसके ऊपर स्पेशल डिस्कशन होगा AGM के बारे में, जनरल मीटिंग, ठीक है, क्या डिस्कशन होता है वहां पर, ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक लूंगा. इशू नोटिस ऑफ EGM टू शेयर होल्डर्स अलोंग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट व्हिच शैल इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ द डिबेंचर इशू अलोंग विद द वैल्यूएशन रिपोर्ट
डिबेंचर एग्रीमेंट एंड ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच इशू, MGT 4, ठीक है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर MGT 14 में आपको फाइल करना है, सेंड ऑफर लेटर PS 4 टू आइडेंटिफाई डिबेंचर होल्डर एंड रिकॉर्ड द सेम इन फॉर्म PS 5, ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना, जब आप लोग रियल लाइफ में कंपनी रिलेटेड काम करोगे ना, तो आपको फॉर्म ऐसे ही याद आ जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग के वक्त आपको याद आ जाएगा, फिलहाल आपको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा। बेसिकली ये सब फॉर्म क्या है ना, जो रेगुलर बेसिस में काम करता है वो ऑटोमेटिक उसको याद हो जाता है, लेकिन फिलहाल आपको एग्जाम के लिए जहां जरूरी है वहां करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। फाइलिंग फॉर्म PS 3 फॉर रिटर्न अलॉटमेंट एंड इशू डिवेंचर सर्टिफिकेट टू डिवेंचर होल्डर, इतना सारा प्रोसेस में आपको ध्यान देना है। मेन मेन 11 पॉइंट्स है इशू ऑफ डिवेंचर्स रिगार्डिंग। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जैसे हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में CRR पढ़े थे, वैसा यहाँ पर होता है DRR, ठीक है। अब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, आपको डिवेंचर रिडीम तो करना है तो रिजर्व क्रिएट करना है ना, क्योंकि नहीं तो जब जरूरत होगा पैसा कहाँ से लाओगे, क्या बोलोगे डिवेंचर होल्डर को, अरे रुको अभी थोड़ा एसेट बेचने दो फिर देंगे, नहीं ऐसा नहीं, रिजर्व क्रिएट करके चलो। ये रिजर्व क्रिएट करने को ना आप लोग बहुत इजीली याद रख सकते हो, बचपन में आप लोग प्रोविजंस पर डिप्रिसिएशन पढ़ते थे ना अकाउंट्स में, अभी भी पढ़ते हो, तो डिप्रिसिएशन का भी रिजर्व क्रिएट को ही प्रोविजंस बोलते हैं। कोई एसेट है उसको बाद में खराब हो जाएगा, उसको रिप्लेस करना है तो अभी से रिजर्व बना के चलो, पैसा ही होता है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज अ रिजर्व रिकॉर्ड टू बी क्रिएटेड बाय द कंपनी इशूइंग डिवेंचर, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट्स एवरी कंपनी इशूइंग डिवेंचर टू क्रिएट DRR आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द अमाउंट क्रेडिटेड ऑफ सच अकाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी वहां उस अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए रखा जाएगा, उस पैसे से कंपनी दूसरा काम नहीं कर सकता। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में जैसे नॉर्मली कॉन्टैक्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है, जब रिडेम्पशन करना है तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग बुलाओ कि हमको रिडेम्पशन करना है, इंटीमेट करो डिवेंचर होल्डर को रिडेम्पशन के बारे में कि आप सबको पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, कोऑर्डिनेट विद बैंक फॉर रिफंड, चेंज इन डिवेंचर रजिस्टर, चेंज इन, क्योंकि डिवेंचर होल्डर खत्म हो जाएगा तो रजिस्टर में बदलना है ना कि इनका पेमेंट हो चुका है, ठीक है, सब कुछ, चेंजेस इन चार्ज रजिस्टर, अगर कोई गिरवी था है ना, कोई एसेट कंपनी ने मॉर्गेज किया था उसे भी तो चेंज करना है, इंपॉर्टेंट काम है, जैसे घर पे होता है वैसा ही। फर्दर इन केस ऑफ कंपलसरी और ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इफ हैड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल वाज नॉट टेकिंग फॉर द कन्वर्जन पार्ट देन अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर नेसेसरी, अगर कोई पर्टिकुलर डिवेंचर होल्डर को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर सभी शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है, मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुला के अप्रूवल लो, सिंपल बात है, कंपनी का मैटर है, सबको पता होना चाहिए। डिवेंचर एंड डिपॉजिट्स, एज अ लेमन लैंग्वेज डिपॉजिटिंग मीनिंग ऑफ पार्किंग वंस मनीस विद द समवन, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो बेसिकली आपका पैसा बैंक में पार्क करते हो, है ना, तो डिपॉजिट मीन्स टू पार्किंग वंस मनी विथ समवन्स व्हिच शैल फेच इंटरेस्ट अलोंग विथ प्रिंसिपल, डिबेंचर ऑल्सो काइंड ऑफ डिपॉजिट वेर इन पीपल पार्क देयर मनी विद व्यू ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट ऑन द सेम, एज पर कंपनीज रूल 2014 सर्टेन डिबेंचर्स आर नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट, कुछ डिबेंचर को डिपॉजिट नहीं कहा जा सकता, जैसे कि कुछ यहाँ पर दिया है आप देख सकते हो, सिक्योर डिबेंचर बाई फर्स्ट चार्ज और हैविंग पैरी पसू चार्ज विद द फर्स्ट चार्ज या द एसेट चार्ज शैल बी टैंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी रेफर्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बात समझ में आया सर, डिबेंचर बाई फर्स्ट चार्ज बने, जो डिबेंचर फर्स्ट टाइम चार्ज किया गया था, चार्ज बने क्या, आपको पता है चार्ज क्या होता है, हाँ सर आपको पता है कि नहीं, चार्ज का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, चार्ज का मतलब वही एसेट जो गिर भी था, तो सिक्योर डिबेंचर जिसपे चार्ज, हाँ बोलो सर, यस कोई कुछ कह रहा था बोलो, क्यों किसी बोल चिलो के मुझे लगा कुछ बोला आपने, बोलो सर, कोई तो बोला कुछ तो बोला, क्या बोला सर, अच्छा इतना मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
हाँ सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सब चुप क्या है, क्या हो गया, नहीं आया समझ में? यस सर। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ रूल्स बोला है, आपको याद रखना पड़ेगा। लॉ है सिक्योर डिबेंचर बाय फर्स्ट चार्ज और हैविंग पेरिपेसो। पेरिपेसो मतलब साइड बाय साइड, क्या बोलते हैं इसको, साइड बाय साइड, उसी के साथ साथ चार्ज विद फर्स्ट चार्ज, ठीक है। यदि एसेट चार्ज शैल बी टैंजिबल, टैंजिबल एसेट होना चाहिए, मैंने कंपनी का टैंजिबल मतलब आपको अकाउंट याद कराना पड़ेगा बचपन वाला, क्लास 11 में सिखाया जाता है टैंजिबल एसेट इनटैंजिबल एसेट। बचपन का प्यार हमें भूल नहीं जाना रे, मैंने बचपन में अकाउंटेंसी सबसे प्यारा होता था लोगों को, जो लोग कॉमर्स पढ़ते थे बचपन में, है ना। तो बचपन का प्यार है टैंजिबल एसेट इनटैंजिबल एसेट, बस स्कूल टीचर पूछता था आप लोगों को। तो टैंजिबल मैंने वही एसेट जिसको आप टच कर सकते थे, है ना, जैसे कि लैंड बिल्डिंग टाइप्स, है ना, या फिर कोई भी एसेट जिसको आप टच एंड फील कर सकते। इंटेंजिबल मैंने गुडविल कॉपीराइट पेटेंट एटसेट्रा, वो नहीं होगा, इंटेंजिबल गिर भी नहीं हो सकता है, ठीक है, वही बोला यहाँ पर। इंटेंजिबल नहीं चलेगा, टेंजिबल ही होना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं कंपनी का गुडविल है चार्ज कर देते हैं, अरे भाई गुडविल तो हवा में है, गुडविल कंपनी का गुडविल, गुडविल आज है कल नहीं है, पर एसेट आज भी है कल भी रहेगा, टेंजिबल एसेट आज भी है कल भी रहेगा। कंपनी के पास जमीन है आज भी है कल भी होगा, कंपनी का आज गुडविल है कल ना भी हो सकता है। हाँ सर, कंपनी का कॉपीराइट आज वैल्यूएशन दे रहा है कल ना भी दे सकता है, यस और नो? बट कंपनी का लैंड मशीनरीज प्लांट, हाँ, इसका वैल्यूएशन इजीली हो जाता है क्योंकि ये इजीली मार्केटेबल है, गुडविल कॉपीराइट पेटेंट। हाँ सर, ये सब का क्या करोगे, ये सब का क्या है ना, आज वैल्यू है कल हो सकता है बहुत वैल्यू है या तो कुछ भी नहीं। एम्बेसडर जैसे इतना बड़ा कार को अपना गुडविल को 80 करोड़ में बेचना पड़ा, ओनली 80 करोड़, इतना गुडविल खराब हो गया था। तो बेसिकली यहां पर ये बोला है कि भाई किस तरह का डिबेंचर को हम लोग डिपॉजिट नहीं बोल सकते, ठीक है। डिबेंचर विच आर कंपल्सरीली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी आफ्टर 10 इयर्स, एनसीडी माने सॉरी सीडी माने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो 10 साल बाद ऑटोमेटिकली डिबेंचर से शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे भी हम डिपॉजिट नहीं बोल सकते। अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, किसी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जैसे कि एनएसई के साइड में आपको दिखता है ना बहुत सारा, इस तरह का चीज को भी आप डिपॉजिट नहीं कह सकते। बाकी इस तीनों को छोड़ के बाकी जितना तरह का डिबेंचर्स है सभी को हम डिपॉजिट बोल सकते हैं, उसको डिपॉजिट भी बोलेंगे और उसका डिटेल्स को डिपॉजिट फॉर्म DPT-3 में फाइल करना पड़ता है हर कंपनी को, भी मेरे पास इतना डिपॉजिट है इतना डिबेंचर्स है, समझ गए? बोलो सर, ये है डिबेंचर रिलेटेड कुछ खास बात। मैं आशा करता हूं कि आपको डिबेंचर के बारे में समझ में आ गया। क्या हुआ, नहीं आया? कहो सर, नहीं आया? अरे बोझा कैसे, जितना धीरे धीरे बोलते हो ना तुम लोग लॉ क्लास में, हैं सर मेरे को चिंता हो जाता है। चिंता मत दो सर, चिंता खुद लो। ओके ठीक है सर, पढ़ोगे, पढ़ने से सर और क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करने से, मेहनत से मेवा मिलता है सर। बिना मेहनत का तो दुनिया में कोई बोल सकता है कि हाँ मेरा किस्मत बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया। सर किस्मत अच्छा है, हो सकता है मे बी कोई पुराने जन्म का आपका कर्म अच्छा था, बट अगर इस जन्म में अच्छा काम नहीं करोगे तो वो किस्मत जो है ना वो किस्मत भी बेकार हो जाएगा। सीरियसली सर, इट्स ऑल लाइक अ बैलेंस शीट, ठीक है। कंपनी का बैलेंस शीट 2022-23 में हम लोग जो हाथ दिखाते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाके,
हम लोग का ये जो पामिस्ट होते हैं या फिर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर वही बोलते हैं सर जो हम लोग अकाउंटेंट के तौर पे, हम लोग क्या है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है हम लोग, वो हम लोग का लेफ्ट और राइट हैंड देखता है, ठीक है, पाम देखता है, ठीक है। और जो हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं अकाउंटेंट हिसाब से, हम लोग बैलेंस शीट में हर साल का बैलेंस शीट देखते हैं। अच्छा, अगर मानो किसी कंपनी का सिर्फ 22-23 का बैलेंस शीट है, क्या कर लोगे? बैलेंस शीट कंपेयर किया जाता है, तब पता चलता है परफॉर्मेंस, तब पता चलता है एसेट लायबिलिटी। हाँ सर, अगर कंपनी लास्ट ईयर अच्छा किया है, इस बार अच्छा नहीं किया, तो कर्म अच्छा नहीं हुआ। लास्ट ईयर खराब किया था, इस बार अच्छा किया, मैंने कर्म अच्छा हुआ, ठीक है, समझ रहे हो सर? तो कर्म कर्म ठीक करो सर, तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस शीट भी अच्छा दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो हैंड का है ना सर, रेखा आपके हित में काम करेगा। सर जिसको एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव है उनके लिए बोला, ऐसे बिलीव कर सकते हो? आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मैं हर चीज में बिलीव करता हूँ और हर चीज में साइंस ढूंढता हूँ, बिना लॉजिक का तो कोई भी चीज में मानता नहीं हूँ ऐसे, बट आजकल ना कभी कभी लॉजिक छोड़ देता हूँ, क्योंकि हर चीज में लॉजिक भी काम नहीं करता। बचपन से लॉजिक देख देख के हर चीज में, ये लॉजिक दिखाओ, वो लॉजिक दिखाओ, आजकल ना उम्र के साथ साथ समझ में आ रहा है लॉजिक हमेशा काम नहीं करता। ऐसे आप लोगों को लगता है, नहीं सर लॉजिक नहीं है लॉजिक। चलो ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हैं सर, क्या पढ़ाओगे? चलो एक डिबेंचर रिलेटेड क्वेश्चन करने से अच्छा रहेगा, क्वेश्चन रिलेटेड टू डिबेंचर। एक मिला है, मिल गया मुझको क्वेश्चन, मिल गया। अच्छा देखो क्या क्वेश्चन मिला है, देखो डिबेंचर का एक क्वेश्चन मिला है। ऐसे आपको मैंने डिबेंचर रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे चीज बताया, लेकिन एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो क्वेश्चन करते करते अगर कोई पॉइंट वहां पर नहीं हुआ था तो वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी बाय ए कंपनी। अपने डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने का कंपनीज एक्ट में क्या रूल है, समझ रहे हो? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, वेदर द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड। अब क्वेश्चन भी ये भी बोला है, क्या आप इन लोगों को एज ए ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हो? अच्छा ये लोग कौन है जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है? जैसे कि एक शेयर होल्डर जिसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है? जब किसी का किसी दूसरे बिजनेस पे 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, या फिर किसी भी तरह का बेनिफिट हो, ठीक है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, सॉरी 20% के ज्यादा मिले तो उसको बोलते हैं पार्शियल इंटरेस्ट, ठीक है, या बेनिफिशियल इंटरेस्ट मैंने एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, मैंने अगर आप कंपनी के बिजनेस से किसी भी तरह का बेनिफिट लेते हो तो उसको बोलते हैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो कोई शेयर होल्डर है जिसका कोई बेनिफिट नहीं है कंपनी के बिजनेस से, क्या आप उसे डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं? क्या कंपनी ऐसे लोगों को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है? ये पहला बंदा है। दूसरा बंदा है क्रेडिटर, जिसको कंपनी ने, जिससे कंपनी ने 499 का उधार लेके रखा है, ठीक है, कंपनी ओज 499 उनसे। और तीसरा बंदा ए पर्सन हु हैज गिवन ए गारंटी, एक बंदा है जिन्होंने कंपनी को गारंटी दिया है फॉर रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी। जो कंपनी ने इशू किया उसका पेमेंट करेगा, ये गारंटी दिया है। ए पर्सन हु हैज गिवन ए गारंटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी। तीन तरह का बंदा यहां पर दिया गया, ठीक है। अब ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं सर, काम नहीं बिगाड़ने के लिए आया, आपको सवाल कर रहे हैं क्वेश्चन में। इंस्टीट्यूट क्या पूछते हैं एग्जाम में, इंस्टीट्यूट एग्जाम में ये पूछता है आपको कि बताओ, कंपनी लॉ पढ़ के आए हो आप लोग, बता दो इनको कि भाई क्या इन लोग आपको कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी बना सकते कि लायक है कि नहीं, ठीक है। तो चलो, लायक हूं मैं या लायक नहीं, ऐसे गाना है ना एक ऋतिक रोशन का, एक मांगू मैं तेरे लायक हूँ क्या या लायक नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी सर, ठीक है, पढ़ाई करने के टाइम पे ना ऐसे बॉलीवुड मूवी के साथ कनेक्ट कर दो,
या कुछ भी जो भी आपको पसंद है, बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ मूवी आजकल बहुत चलता है। उस दिन मैं कोई लकड़ी दिखा रहा था किसी क्लास में, आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट के क्लास में, फाउंडेशन क्लास में, एक लड़का पूछता है सर ये क्या पुष्पा मूवी वाला लकड़ी है क्या? मैंने वो पुष्पा फ्लावर समझे क्या? वो वाला मेरे को पूछ रहा था। अच्छा है, चलो ठीक है। तो सेक्शन 71 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी शैल इशू अ प्रॉस्पेक्टस और मेक एन ऑफर और इनविटेशन टू द पब्लिक और टू इट्स मेंबर्स एक्सीडिंग 500 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑफ इट्स डिबेंचर। तो सेक्शन 71 सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है 2013 एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, नो कंपनी शैल इशू अ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस इशू करना मैंने क्या, कंपनी ऑफर देता है शेयर वगैरह का, डिबेंचर वगैरह का एटसेट्रा। नो कंपनी शैल इशू अ प्रॉस्पेक्टस और मेक एन ऑफर और इनविटेशन टू द पब्लिक और इट्स मेंबर एक्सीडिंग 500 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिबेंचर्स अनलेस द कंपनी हैज बिफोर सच इशू और ऑफर अपॉइंटेड वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। मैंने 500 से ज्यादा का वैल्यूएशन का डिबेंचर इशू ही नहीं कर सकता जब तक कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी ना बना ले, एंड द कंडीशन गवर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सच ट्रस्टी। मैंने कंपनी को डिबेंचर इशू करने से पहले 500 टका से भी ज्यादा अगर कोई इशू करना है, ठीक है, अगर 500 से अधिक कोई पैसा मार्केट से डिबेंचर के नाम पे इशू करना है, तो सबसे पहले आपको डिबेंचर ट्रस्टी बनाना पड़ेगा। और वही आपको पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चंस में, क्या प्रोविजंस है रूल 18 सबसेक्शन 2 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर कंपनीज रूल 2014 में बोला है, फ्रेम्ड अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर द इश्यू ऑफ सिक्योर डिबेंचर प्रोवाइडेड दैट बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी और ट्रस्टीज। एक ट्रस्टी भी हो सकता है, ट्रस्ट बहुत सारा ट्रस्टी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा डिबेंचर का वैल्यूएशन। रिटन कंसेंट शैल बी ऑब्टेंट फ्रॉम सच डिबेंचर ट्रस्टी। रिटन कंसेंट लेना है ट्रस्टी होने के टाइम पर, रिटन में दो, लिखित दो, और ट्रस्टीज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एंड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शैल अपियर इन द लेटर ऑफ ऑफर इशूड फॉर इन्वाइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ द डिबेंचर। फर्दर अकॉर्डिंग टू द रूल्स नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डिबेंचर ट्रस्ट। नाम बोल दिया कि कौन कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यही होता है कि इनके अलावा बाकी लोग हो सकता है, ठीक है, यानी लॉ उनको बाधा नहीं देगा। तो मैं अभी जिनका नाम आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उनके अलावा, ठीक है, उनको छोड़ के बाकी लोग ट्रस्टी में आ सकता है। तो कौन नहीं आ सकता? बेनिफिशियरी होल्ड शेयर इन दी कंपनी, मैंने अगर वो कंपनी का शेयर होल्ड करता है तो वो ट्रस्टी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कंपनी से फायदा है। तो अगर किसी को कंपनी से फायदा है तो वो कंपनी के गलती में, कंपनी के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, समझ रहे हो? इज ए प्रोमोटर, माने अगर कंपनी का प्रोमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपीस माने सीएसीएस लाइक कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीएमए वगैरह है, या चार्टर्ड है, किसी भी तरह का केएमपी है, आप लोग जानते हो केएमपी कौन होते हैं, तो प्रोमोटर, डायरेक्टर, केएमपी और एनी अदर ऑफिसर और एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी का, जो होल्डिंग कंपनी है उसका सब्सिडियरी कंपनी, या फिर कंपनी के साथ कोई एसोसिएट कंपनी है जो जुड़ के मिल के काम करते हैं, ऐसा कोई भी ट्रस्टी बोर्ड में नहीं आ सकता। इज बेनिफिशियरी एंटाइटल टू मनी विच आर टू बी पेड बाई द कंपनी अदरवाइज देन एज रेमुनरेशन पेबल टू द डिबेंचर ट्रस्टी। इज इंडेबटेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी, कंपनी के किसी से लोन लिया है या दिया है इस तरह का, इंडेबटेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और इट्स सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, कोई पैसा बाकी वगैरह है, इंडेबटेड है, तो ऐसा कोई भी कंपनी हो या कोई बंदा माने कोई इंडिविजुअल, ऐसा कोई भी ट्रस्टी में नहीं आ सकता। हैज फर्निश्ड एनी गारंटी इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेब्ट्स सिक्योर्ड बाय द डिबेंचर और इंटरेस्ट देयर ऑन, has any pecuniary relationship with the company, when a special kind of bondage amounting to 2% or more of its gross turnover, ठीक है, मैंने valuations में फायदा है उनको, any pecuniary relationship with the company amounting to 2% or more of its gross turnover or total income
या फिर 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच एवर इज लोअर, मैंने कंपनी का टोटल ग्रॉस टर्नओवर का या कंपनी के टोटल इनकम का 2% या 50 लाख, ठीक है, या तो 2% या तो 50 लाख, जो भी हायर हो, जो भी कम होगा, अगर 50 लाख कम है तो 50 लाख, अगर कोई दूसरा अमाउंट कम है तो वो लाखों वाला, ड्यूरिंग द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिस साल हिसाब कर रहे हो उसके पिछले 2 सालों से आपको कंपनी से मिलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, मैंने जिसका कंपनी से, कंपनी के टोटल इनकम पे, कंपनी के टोटल टर्नओवर पे या 50 लाख का वैल्यूएशन के साथ कंपेयर करके जो भी लोअर होता है अगर आपको कंपनी से मिलता है तो फिर आप नहीं आ सकते डिबेंचर ट्रस्ट में, मैंने बेसिकली आप बेनिफिशियरी हो गए। अच्छा, रिलेटिव ऑफ एनी प्रोमोटर, आप लोगों को पता है रिलेटिव कौन होता है, तो रिलेटिव ऑफ एनी प्रोमोटर एनी पर्सन हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और केएमपी, दस बेस्ड ऑन द अबव, ये केएमपी वगैरह के बारे में हम लोग बेसिक में बात कर चुके हैं, जिनका भी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ भूल गए या फिर नहीं हुआ है, मेरे से क्लास का लिंक लो और प्लीज घर पे बैठे बैठे कर लो, रखो मत सर, बेसिक कर लो, कोई डाउट है पूछ लो, बेसिक इज वीवीआईपी पॉइंट, बेसिक बहुत जरूरी, अगर कंपनी लॉ का बेसिक पता लग गया आप समझ लो कि आपका जिंदगी बन गया, सर क्या बात करते हो, छोड़ो सर। दस बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजंस आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चंस आर शेयर होल्डर, जैसे हमारे यहाँ पर 3 बंदा था शेयर होल्डर जिसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या हम उसको डिवेंचर ट्रस्टी बना सकते हैं, द आंसर इज यस, कैन बी अपॉइंटेड एज डिवेंचर ट्रस्टी, क्योंकि उसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, बंदा बिल्कुल न्यूट्रल काम करेगा, है ना, बंदा बिल्कुल न्यूट्रल काम करेगा, वो किसी के तरफ तरफदारी नहीं करेगा, वो किसी का तरफदारी नहीं करेगा, कंपनी के फेवर में बिना कारण का नहीं जाएगा। क्रेडिटर जिसको कंपनी, जिससे कंपनी को 499 कंपनी को दिया है, कैनॉट बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी, द अमाउंट ओड इज इमटेरियल, कितना पैसा लिया है वो इमटेरियल है, पैसा लिया है ना बस नहीं कर पाएगा। पर्सन हु हैज गिवन गारंटी फॉर रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर्स, इसे भी आप अपॉइंटेड नहीं कर सकते ट्रस्टी बोर्ड में, ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि कौन है वो जिन्हें डिबेंचर ट्रस्टी में नहीं रखा जा सकता और किस तरह से डिबेंचर ट्रस्टी रखा जा सकता है, किस सेक्शन में बोला है। एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर भी देना है, पहले प्रोविजंस लिखो, ठीक है, फिर रिलेटेड प्रोविजंस को निकालो और फिर पॉइंट टू पॉइंट बता दो, ऐसा लिखोगे मार्क्स पूरा मिलेगा, मैथ्स की तरह मार्क्स मिलता है अगर प्रॉपरली लिख पाते हो लॉ, लेकिन अगर इधर उधर करोगे, ठीक है, तो फिर मार्क्स कटेगा और बहुत इधर उधर करोगे पूरा काटेगा, ठीक है, अगर इंग्लिश वीक है काम करो इंग्लिश पे, अगर इंग्लिश किसी का वीक है वो काम करे अपने इंग्लिश पे, ठीक है, बिकॉज उसका कोई शॉर्टकट तो मेरे पास नहीं है, जरूरत पड़ने से इंग्लिश पेपर पढ़ो, ठीक है, मैगजीन पढ़ो, अच्छा कोई भी मैगजीन पढ़ोगे क्या, नहीं, बिजनेस रिलेटेड, ताकि आप लोग जैसे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, बिजनेस स्टैंडर्ड्स पढ़ो, ठीक है, इंडिया टुडे का पढ़ाई कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस न्यूज चैनल्स देखो इंग्लिश में, ठीक है, CNN NBC देखो, NDTV प्रॉफिट देखो, सर ये सब समझ में नहीं आता फिर भी देखो जबरदस्ती, हाँ सर जबरदस्ती, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाई करो और फिर स्टॉक मार्केट को डील करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट पढ़ो, जानो, मार्केट में अकाउंट ओपन करो, देखना ये सब बातें आप लोगों को धीरे धीरे ना सब नॉलेज आएगा, पैसा डालोगे तो ऑटोमेटिकली देखना पड़ेगा, सर क्या बात करते हो, अरे सर मैं काम का बात कर रहा हूँ, फालतू बात नहीं करता। अच्छा देखो सर समझ में आ गया क्वेश्चन, बोलो डिबेंचर का क्वेश्चन क्लियर है सबको, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, अच्छा और क्या बता सकते हैं सर, बहुत सारा क्वेश्चन है, क्या बताएं और क्या नहीं, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द लीगल प्रोविजंस इन डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी व्हिच एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नीड्स टू एडहियर
while taking steps to buy back its own shares. हम लोग लास्ट क्लास में बाईबैक पढ़े थे, तो यहाँ पर बाईबैक का एक सवाल किया है आपको. पहले सवाल तो समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा सॉल्वेंसी का मतलब क्या है. सॉल्वेंसी का मतलब क्या है, कोई बोल पाओगे आप लोग? सॉल्वेंसी माने सॉल्वेंसी माने क्या होता है बताओ ना, जो भी जानते हो बताओ. ना कोई मारने वाला ना कोई रोकने वाला, बोलो बोलो. थोड़ा सा साहस जुटा. हाँ बोलो. हाँ ऑब्लिगेशन मीट कर. ऑब्लिगेशन मीट करा, नॉट एग्जैक्टली ऑब्लिगेशन मीट करा प्रॉपर नहीं हुआ सर. कुछ और जवाब? एबिलिटी टू पे डेब्ट. चलो ये थोड़ा सा मुझे सही सही लग रहा आंसर. ऑब्लिगेशन भी सही लग रहा था बट इट्स नॉट प्रॉपर. मैंने बेसिकली एक कंपनी सॉल्वेंट है ना, इसका मतलब ये होता है कि उसका क्रेडिट ओर्दिनेस चेक किया जा रहा है. अब आप बोलोगे सर क्रेडिट ओर्दिनेस क्या होता है? सर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को. यस सर, फाइनेंशियल जितना ऑब्लिगेशंस है या फाइनेंशियल, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल आंसर मेरे को आया कि सर एबिलिटी टू पे डेब्ट. मार्केट में जितना लोन है उनका, क्या वो रिपे कर सकता है? क्या कंपनी के पास इतना एसेट है? क्या बैलेंस शीट क्या बता रहा है? बैलेंस शीट क्या बता रहा है कि इतना एसेट है उसके पास कि वो अपना लायबिलिटी रिपे कर पाए? सिंपल बात है. अकाउंटेंसी में सॉल्वेंसी रेशियो वगैरह चेक किया जाता है. फाइनेंस में, अकाउंट्स में मेनली नहीं, वो फाइनेंस का पार्ट है. रेशियो एनालिसिस बोल के एक टॉपिक आता है, उसके अंदर आप लोगों को सिखाया जाता है किस तरह से चेक करते हैं. मतलब बैलेंस शीट चाहिए आपको कंपनी का, पीएल बैलेंस शीट अगर आपको मिल जाए आप चेक कर सकते हैं. जो भी हो, ये अकाउंट्स नहीं है या फाइनेंस का क्लास नहीं है. यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर लीगल बात कर रहे हैं. स्टेट द लीगल प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी विच कैन विच एन अनलिस्टेड कंपनी. मैंने सरकारी पब्लिक कंपनी है पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं, नीड्स टू एडहेयर व्हाइल टेकिंग स्टेप्स टू बाय बैक इट्स ओन शेयर. तो उसको बाईबैक करना है, बाईबैक करने से पहले उनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए. तो ये बात ना सेक्शन 68 सबसेक्शन 6 में बोला गया, जहां पर एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैज पास्ड स्पेशल रेजोल्यूशंस अंडर सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी और द बोर्ड हैज पास्ड रेजोल्यूशंस. माने कंपनी बोर्ड जो है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया अंडर आइटम 2 ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी टू बाईबैक इट्स ओन शेयर्स. It shall, before making such buyback, file with registrar, ठीक है, ROC के पास, a declaration of solvency in form SH9, ठीक है, ये form number आपको बताना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा, registrar को बताना पड़ेगा. Company अगर buyback करना चाहता है अपना share, तो अपने आपको बताना पड़ेगा, भाई मेरे पास इतना पैसा है, मेरा market में जितना loan है, मैं आराम से repay कर सकता हूँ, अगर मैं खुद का share market से वापस ले रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर ability है. Buyback के बारे में last class में घोर चर्चा हुआ था, बाईबैक के बारे में लास्ट क्लास में बहुत चर्चा हुआ था. और ये जो भी डिक्लेरेशन वो देगा रजिस्टर को, ठीक है, फॉर्म SH9 पे, ठीक है, फॉर्म SH9 पे, द डिक्लेरेशन शैल बी वेरीफाइड बाय एन एविडेविट टू द इफेक्ट ऑफ द बोर्ड हैज मेड ए फुल्ली इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. अब जो कंपनी बोर्ड होगा वो पूरे अफेयर्स को चेक करेगा. एज द रिजल्ट ऑफ द फीच दे हैव फॉर्मड एन ओपिनियन दैट इट इज केपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटीज. तो एक ओपिनियन में बना जाएगा कि भाई क्या कंपनी अपना लायबिलिटी मार्केट में रिपे करने का ताकत रखता है एंड विल नॉट बी रेंडर्ड इंसॉल्वेंट. और किसी भी तरह से वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिस दिन बाईबैक करने का बारे में सोच रहे उससे एक साल के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी एडॉप्टेड बाय द बोर्ड. जिस दिन सॉल्वेंसी बोल रहा है ना कि कंपनी, जिस दिन सॉल्वेंसी का बात कर रहे हैं उस दिन से एक साल तक कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए. मार्केट में किसी भी हालत में दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्टेड नहीं होना चाहिए. The declaration shall be signed by at least 2 directors of the company, one of whom shall be managing director, if any. At least दोनों director को उस declaration पे sign करना पड़ता है और उनमें से एक को at least managing director होना पड़ता है अगर है company के पास managing director. तो ये है process buyback करने से पहले solvency को
साबित करने का, समझ गए सर? इस तरह से वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको पता लग सकता है कि किस तरह का जवाब आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपको पहले प्रोविजंस पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो जवाब दे सकते हो। तो यही मैं बताऊंगा आपको कि प्रोविजंस पढ़ो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अलग अलग क्वेश्चन जहां से मिले कंपनी लॉ रिलेटेड चैप्टर वाइज, ठीक है। सीए वाले सीएमए के मैट से देख सकते हो, सीएमए वाले सीए के मैट से देख सकते हो, सीएस के मैट से देख सकते हो, जहां से मिले। कहीं कोई लॉयर है जो लॉ का किताब पढ़ाई करते हैं, उनके किताब में मिल गया ना, टॉपिक मैच कर जाए, बस देखो क्वेश्चन देखो, पता नहीं एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में क्या पूछेगा। सभी इंस्टीट्यूट का आरटीपी होता है, एमटीपी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, वहां से चेक करो, ठीक है। बट एटलीस्ट पहले जो नोट्स आप मेरे से लेते हो उनसे चेक, उनसे पूरा कंप्लीट करो। पहले मेरा दिया हुआ चीज कंप्लीट करो, उसके बाद जहां से मर्जी करो सर, कोई आपको ना टोकने वाला ना रोकने। ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ थोड़ा पढ़ो। शंकर पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड, ठीक है, एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाते हैं सर, हैज गॉट अ गुड ब्रांड वैल्यू, ठीक है, कंपनी का अच्छा ब्रांड वैल्यू हो चुका है ओवर द इयर्स, इट हैज बिल्ड अ गुड रेपुटेशन एंड इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 के बैलेंस शीट के हिसाब से, इनका बैलेंस शीट को पोजिशन देखो, इनका ऑथराइज कैपिटल बता रहे हैं 25 लाख इक्विटी शेयर्स 10% करके कितना हो जाएगा 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, 25 लाख शेयर 10% करके 2.5 करोड़ होता है सर, ठीक है, 2.50, ठीक है, 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी क्या कर रहे हैं इसमें से इशू कर रहे हैं, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप 10 लाख शेयर्स, ठीक है, 10% करके, तो 1 करोड़ इनको मिला है। कंपनी के पास प्री रिजर्व है 3 करोड़ का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर प्रपोजिंग टू डिक्लेयर अ बोनस इशू, ठीक है, कंपनी डिक्लेयर कर रहा है कि वो बोनस इशू करना चाहता है। ये सब कहां से लिया गया डेटा, बैलेंस शीट से, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज कर रहा है कि कंपनी बोनस इशू करेगा, 1 share for every 2 shares हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर 2 share होल्ड करता है तो बदले में 1 मिलेगा, 1:2, ठीक है। द बोर्ड वॉन्ट्स टू नो द कंडीशंस, बोर्ड ये जानना चाहता है 1 के बदले 2 की 2 के बदले 1, 2:1, सॉरी 2 के बदले 1 मिलेगा, ठीक है। द बोर्ड वॉन्ट्स टू नो द कंडीशन एंड द मैनर ऑफ इशूइंग बोनस शेयर अंडर द प्रोविजन। तो इतना सारा बोलने के बाद आपको पूछता है कि बोनस शेयर इशू करने का प्रोविजंस बोलो, मैंने पहले आपका माथा खराब कर दिया, डायरेक्ट पूछ सकता था पर डायरेक्ट नहीं पूछा, आपको घुमा के पूछा। आप तो सोचने में पड़ गए कि 25 करोड़ का क्या करें, सॉरी 2.5 करोड़ का क्या करें, 1 करोड़ का क्या करें, फ्री रिजर्व का क्या करें, है ना। लेकिन इसका आंसर जो है ये मेनली प्रोविजंस है, ठीक है। अब आपको मैं आगे पढ़ाता हूँ, देखो। तो सबसे पहले तो आपको सेक्शन लिखना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट का सेक्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस इन टू इट्स मेंबर इन एनी मैनर व्हाटसोएवर कहां से करेगा, फ्री रिजर्व से करेगा। आपको पता है ये मैं पढ़ाया था आप लोगों को, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR, SPP एंड फ्री रिजर्व, ठीक है। यहां से कंपनी बोनस इशू कर सकता है क्योंकि वैल्यूएशन तो दिखाना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, है ना। कोई एसेट रिवैल्यू करके अगर आपका रिजर्व कैपिटलाइज हुआ है, मैंने बढ़ा है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ये भी लास्ट दिन डिस्कस हुआ था, मुझे याद आ गया। अब आपको कंडीशन बताना है कि बोनस इशू करने का क्या क्या कंडीशन है, फटाफट पढ़ लो। आपको पता है नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स और रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, ठीक है, अनलेस इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। अगर कोई अपना प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना चाहता है, नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स और रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स अनलेस, जब तक उसका आर्टिकल में नहीं बोला रहेगा।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का रूल बुक भी माना जाता है. इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल. माने मार्केट में कोई लोन का इंटरेस्ट पेमेंट बाकी नहीं है, किसी डिबेंचर का इंटरेस्ट बाकी नहीं है, प्रिंसिपल पेमेंट बाकी नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ एफडी डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट. कंपनी ने अगर मार्केट में लोन इशू किया, डिपॉजिट लिया किसी से, डिबेंचर इशू किया, तो कोई बाकी नहीं रहना चाहिए. माने डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, बाकी रह सकता है, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज. ठीक है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड का पैसा बाकी रख गया, ग्रेच्युटी का पैसा बाकी रख दिया, बोनस कंपनी ने जो एम्प्लॉय को बोनस देना है ना, एम्प्लॉय का बोनस बाकी रख दिया. ये बोनस का मतलब है एम्प्लॉय का बोनस, क्योंकि बोनस देना मैंडेटरी होता है इंडस्ट्रियल लॉ में, ये बताया जाता है. बोनस एक्ट है सर, इंडस्ट्रियल लॉ का पेपर आते हैं नॉर्मली. सीए स्टूडेंट्स को भी पढ़ना पड़ता है लेबर लॉ के अंदर, और सीएमए वालों को भी पढ़ना पड़ता है इंडस्ट्रियल लॉ बोल के एक टॉपिक है उसके अंदर. सीए वाले इसको फाइनल में पढ़ता है, वो भी थोड़ा बहुत, ज्यादा डिटेल्स नहीं. देखो अच्छा, थर्ड पार्टी सॉरी पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी. अगर कंपनी का कोई पार्टली पेड अप शेयर्स है, माने पूरा कंपनी का शेयर पेड नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, उसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा. माने शेयर बाकी रहेगा तो फिर उस पर बोनस नहीं मिलेगा. इट कंप्लाइज विद सच कंडीशंस, कहां लिखा है, प्रेस्क्राइब बाय रूल 14 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 व्हिच स्टेट्स दैट द कंपनी व्हिच हैज वंस अनाउंस द डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड रिकमेंडिंग अ बोनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ द सेम. अगर कंपनी ने बोला है, ठीक है, रूल कहते हैं प्रेस्क्राइब रूल 14, ठीक है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 कहता है कि अगर कंपनी ने अनाउंस किया कि हम बोनस इशू करेंगे तो उसको विथड्रॉ नहीं कर सकता. फर्दर द कंपनी हैज टू एंश्योर दैट द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन द लीव ऑफ डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड के बदले बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए. फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स कंपनी के पास शंकर पोर्टलैंड सीमेंट के पास रिजर्व है 50 लाख का. ठीक है, हाफ ऑफ 1 crore बीइंग द पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच इज रेडीली अवेलेबल विद द कंपनी. हेंस द आफ्टर फॉलोइंग द अबव कंडीशंस रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ बोनस शेयर द कंपनी में प्रोसीड फॉर ए बोनस इश्यू ऑफ 1 share फॉर एवरी 2 share सेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. तो कंपनी आराम से कर सकता है. 50 लाख का रिजर्व चाहिए, हाफ ऑफ 1 crore जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका हाफ अगर रिजर्व में है तो आराम से कर पाएगा. ऐसे फ्री रिजर्व तो 3 crore का बता ही रहा है, और पेड अप कैपिटल का 50% रिजर्व में होना चाहिए, तो आराम से है. 1 crore का पेड अप कैपिटल है, उसका 50% 50 lakh है, तो कंपनी के पास आराम से 50% है, क्योंकि फ्री रिजर्व में ऑलरेडी 3 crore है, तो कंपनी यहाँ पर आराम से कर सकता है. मैथ्स भी क्लियर हो गया. हेलो, हेलो सर बोलो. कैलकुलेशन भी क्लियर हो गया. चुपचाप ना रहो, कुछ तो कहो. आप लोग इतना चुप हो जाते हैं, मैं चिंता में पड़ गया. ओके सर, मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपको पढ़ाया, कुछ क्वेश्चंस और भी है यहाँ पर, और भी 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं. ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है मेरे से कलेक्ट कर लो सर, शेयर कैपिटल डिवेंचर का सारा क्वेश्चन आंसर छान मारो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो एग्जाम के लिए, अगर किसी का हैंड राइटिंग स्पीड कम है तो. लेकिन विथ नॉलेज प्रॉपरली इसको प्रैक्टिस कर लो. कोई डाउट है मेरे को पूछो, और इस चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट जरूर दे डालो सर ऑफलाइन में. चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट जरूर दे दो, ठीक है, ऑफलाइन में टेस्ट ऑफलाइन में दो, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो भी ऑफलाइन में आके पूछ लो. ठीक है, ठीक है सर, आज इतना ही है, नेक्स्ट दिन न्यू चैप्टर के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे. ठीक है, गुड नाइट सर. गुड नाइट सर, बाय. सर हाँ सनन बोलो.
सर वो प्लेलिस्ट अपडेट करने को बोल रहे थे।